बच्चों गुजरात, मैं प्रिया सिन्हा आप सभी का भारत 24 के इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। भारत 24 ना ये विशेष कार्यक्रम में आप सबनु स्वागत करूँ छू। भारत 24 का ये मंच सजा है आज आपकी बात करने, उन गेम चेंजर्स की बात करने जो कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो कि समाज और देश के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत 24 लगातार आपकी आवाज़ बनता है, आपके मुद्दे को उठाता है, और आज हम गुजरात में मौजूद हैं। गुजरात जिसे देश का डायमंड हब कहा जाता है, ये गांधी की धरा है, ये पटेल की एकता का सूत्र है, और उसी गुजरात में आज उन गेम चेंजर से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जो कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत 2047 की जब बात होती है तो हर किसी की अपनी भूमिका होती है, लेकिन गेम चेंजर असल में कौन है? कहते हैं कि अगर बनना है तो गेम चेंजर बनो, खिलाड़ी तो हर कोई है। तो आज कौन कौन से वो लोग हैं जो कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, भारत 24 आपको उन लोगों से मिलाएगा, किस तरीके से उनका संघर्ष रहा है ये आपको बताएगा। लेकिन जब गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात के मिजाज की बात होती है, उसकी संस्कृति की बात होती है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उसकी किस तरीके से संपन्नता है उसका जिक्र हो। तो आज भारत 24 बात कर रहा है गेम चेंजर्स की, उन लोगों की जो कि निरंतर समाज में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि विकसित भारत 2047 के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कहते हैं कि एक गेम चेंजर वो होता है जिसे पता होता है कि रास्ता किस तरफ है, जो कि उन रास्तों पर चलता है और दूसरों को लेकर के आता है कि ये रास्ता है, वही होता है गेम चेंजर। और ऐसे गेम चेंजर से भारत 24 आपको लगातार मिलाता है हमारे कार्यक्रम के जरिए। भारत 24 के सीईओ मनोज जिज्ञासी खुद गेम चेंजर्स विद एमजे के जरिए आपको उन तमाम लोगों से मिलवाते हैं जो कि समाज के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, और ऐसे उन तमाम लोगों से आज फिर भारत 24 गुजरात में आपको मिलवाएगा, उनसे मुखातिब करवाएगा। लेकिन सबसे पहले एक ऑडियो विजुअल क्लिप आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिन्होंने बदले हैं अपने हौसलों से खेल के दिया, वो कहलाते हैं गेम चेंजर। देश के दिल दिल्ली की शानदार सफलता के बाद गेम चेंजर्स अब आ रहा है देश के बिजनेस हब गुजरात में, तो हो जाइए तैयार। गेम चेंजर्स गुजरात एडिशन 20 सितंबर 2024 को पावर्ड बाय प्रमल फाइनेंस, फॉग, डॉक्टर ऑर्थो, सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। इंश्योरेंस पार्टनर पॉलिसी बाजार, हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। फैशन पार्टनर हाउस ऑफ सांसा, बेवरेज पार्टनर आवा नेचुरल मिनरल वाटर। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए, और भारत 24 जो कि लगातार आपकी आवाज है, बीते 2 साल तक आपका सफर इसमें आपका साथ मिला है, और ऐसी उम्मीद है किसी तरीके से आपका साथ हमें निरंतर मिलता रहेगा। भारत 24 को भी और मनोज जिज्ञासी जी दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ। बड़ी प्रसन्नता है, और आपके इस शो की 1 साल की भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं मनोज जिज्ञासी जी और टीम के हर मेंबर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, तहे दिल से मुबारक देता हूँ। गेम चेंजर्स का 1 साल पूरा हो रहा है, मैं गेम चेंजर्स को और मनोज जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मनोज जिज्ञासी इज द बेस्ट होस्ट इन दिस ट्रेड, सो मेनी कंग्रेचुलेशन मनोज। गेम चेंजर प्रोग्राम है, 1 साल पूरा कर रहा है, इसके लिए भारत 24 और गेम चेंजर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं फिर तमन्ना करूंगा और दुआ भी करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि उनके साथ फिर मुझे एक मौका मिले। भारत 24 को और मनोज जिज्ञासी जी को दोनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं देना चाहता हूं मनोज जी को, भारत 24। मैं आशा करता हूं ये साल दर साल ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और हम इसको एंजॉय करते रहे। Unleash the power of visionary leadership. Meet the game changers. Transforming industries, inspiring culture, and shaping the future. Bold moves,
Big risk, massive rewards. This is where legends are born. Game Changers with MJ. Season 2. Only on Bharat 24. जोरदार तालियां हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए गेम चेंजर विद एमजी और सीजन 2 के जरिए। ऐसे तमाम गेम चेंजर से भारत 24 आपको आगे भी मिलवाता रहेगा। ऐसे तमाम शख्सियत जो कि बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, समाज में योगदान दे रहे हैं, और आज भी इस कार्यक्रम में उन लोगों का परिचय करवाते हुए हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनकी सक्सेस स्टोरी रही है, किस तरीके से उनका संघर्ष रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार अगर कोई व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचा है तो इसके पीछे किस तरीके से उसकी जंग रही और किस तरीके से उसकी सोच ने उसे वहां पर पहुंचाया। ऐसे तमाम लोग जो कि उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोग जो कि बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, हम आज इस मंच पर उनसे आपको मिलवाएंगे। ये जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में समाज के लिए सोचा। तो एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि अब हमारे अगले सेशन की शुरुआत हो रही है और ये पहला सेशन है जिसका थीम है मानव सेवा ही माधव सेवा। और इसके लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर राजेश भारद्वाज, चेयरमैन कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस, पीटी एंड व्हीलचेयर क्रिकेट, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर राजेश भारद्वाज के लिए। बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। जिस तरीके से मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, जिस तरीके से आपका सफ़र रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात DCCI और ख़ास तौर पर जब क्रिकेट की बात होती है तो हम देखते हैं कि भारत के रग रग में क्रिकेट है। ऐसे में जो दिव्यांग क्रिकेट है उसमें, क्योंकि आप श्री खाटू श्याम बाबा कमेटी से भी जुड़े हुए हैं, क्या भूमिका है? जनवरी 2024 में जब ये जिम्मेवारी मिली मुझे और महाराज हमारे खाटू श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष माइक ऊपर कर लेंगे, हाँ, प्रताप सिंह चौहान खाटू श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्हें चीफ पैटर्न बनाया गया पूरे इंडिया का, तो मेरे को कॉर्पोरेट अफेयर कम्युनिकेशन की जिम्मेवारी दी, जिसके अंदर मुझे CSR और स्पॉन्सरशिप दिव्यांगों की लाना था। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट था जिसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी थी और मेरे लिए पूरा नया सब्जेक्ट था क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं थी। बट मैं कॉर्पोरेट से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ 85 से, जब ग्वालियर में मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया आया था, बामोर इंडस्ट्रियल एरिया था, तो मैं वहाँ उनको घर दिलाता था। 49 टेम्परेचर रहता था और साइकिल पे जाके मैं घर ढूंढता था किराए से। इतना टफ जॉब होता था कि दिन में 1 बजे इतना टेम्परेचर रहता था, क्योंकि ग्वालियर का किला जो है वो इतना हीट करता है 49 टेम्परेचर के बाद में कि आप 1 से लेकर 4 बजे के बीच में नहीं काम कर सकते। तो मैं पंखे के नीचे अपना पैंट शर्ट उतार के और अखबार के ऊपर सो जाता था, फिर 4 बजे फिर घर ढूंढने जाता था। न मोबाइल होते थे तो सबको मैसेज करके आने पड़ता था कि आज शाम को 5 बजे वो घर देखेंगे, और जब वो आते नहीं थे तो फिर मुझे वापस कह के आना पड़ता था कि ये आ नहीं रहे, आप अपने घर जाओ। तो इतना टफ काम किया, और बाबा ने जो हमें काम दिया खाटू श्याम मंदिर ने, हमारे 29 स्टेट में बाबा के भक्त हैं, और साल भर में मैंने ये नोट किया कि जहाँ भी मैं गया हूँ सभी श्याम प्रेमी ने दिव्यांगों के लिए आगे बढ़ के। और इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी, क्योंकि DCCI, PDO और व्हीलचेयर के चेयरमैन के तौर पर भी आपकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। अब तक की अगर उपलब्धियों का अगर मैं जिक्र करूँ तो वो क्या कुछ रहेंगी आपकी? अब तक उपलब्धियों की बात करें तो मैं जहाँ पे भी गया हूँ, जिस कॉर्पोरेट में सबसे पहला एक कॉर्पोरेट में गया था GD माइनिंग, जो कलकत्ता की है, अरुण सराफ की, मैं फर्स्ट डे उसकी टेबल पे बैठा और उन्होंने दिव्यांगों के बारे में बताया, और मैंने खाली उनको ये कहा कि दिव्यांग की सेवा भगवान की सेवा है, तो उन्होंने सीधा बोला राजेश मुझे क्या हेल्प करनी है आप वो बताइए। उन्होंने तुरंत मुझे RTGS कर दिया, चेक भी नहीं काटा। तो इस तरह के जैसे जेपी पावर है मनोज गौर जी का, मेरे उनसे फैमिली टर्म्स हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी नहीं पूछा मुझसे कि क्या है, क्या पैसा है, राजेश तुम ये लो ये RTGS। उन्होंने 2 मिनट के अंदर मुझे RTGS करा दी।
आप जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, सूर्य रोशनी के राजू विश्व एमडी हैं, उनसे मैं मिला भी नहीं, फोन पे बात हुई, वो श्याम बाबा के प्रेमी है, उन्होंने आरटीजीएस कर दी। सीआरसी ग्रुप है कुणाल भल्ला का, इन्होंने आरटीजीएस कर दी। फिनोलेक्स, ये जितने बड़े बड़े ग्रुप जुड़े, पेयोमेटिक्स की एक मैडम है रुचि राठौर जो नोएडा के अंदर है, अभी इंग्लैंड का हमारा श्रीलंका और भारत का मैच हुआ व्हील चेयर का, मैंने उनसे बस ज़्यादा थोड़ा सा ये कहा कि भाभी आप इन बच्चों को लंच करा दीजिए दिन में, तो उन बच्चों को हमने 5-स्टार होटल जेपी रिसोर्ट में। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अभी भी दुनिया में अच्छाई है। हाँ। और आप खुशकिस्मत है कि आपको ऐसे लोग मिले जो कि इस नेक पहल में आपके साथ आगे बढ़ते गए। एक और प्रश्न है मेरा, और ये बहुत अहम है क्योंकि आप स्पेशली एबल्ट के लिए लगातार काम कर रहे हो खेलों के प्रति भी। एक सवाल ये भी, क्योंकि हाल ही में पेरिस पैरालंपिक की अगर हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने दिया, 29 मेडल हमने जीता जिसमें 7 गोल्ड, इसके अलावा 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज देश के नाम आया, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए यही कहूँगा कि सब लोग आगे बढ़ें दिव्यांग के लिए। मैं देखता हूँ जब भी मैच होता है, चाहे इंग्लैंड का मैच हो, श्रीलंका का मैच हो व्हील चेयर का, लोग मैच देखने नहीं आते हैं, और अगर हमारे क्रिकेट को आप लोग सपोर्ट करेंगे और आएंगे मैच देखेंगे तो मैं कहता हूं देश में ये लोग भी वर्ल्ड के अंदर नाम करेंगे। हमारा एक खिलाड़ी अपने शरीर से भी लड़ता है और फिर खेलता भी है, आप डबल मेहनत करता है वो। आप लोग कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जहाँ भी दिव्यांगों का मैच हो, चाहे फिजिकल डिसेबल का हो, चाहे आपका व्हील चेयर का हो, आपको अपने घर से निकल के देखना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, सभी कॉर्पोरेट से भी कहना चाहूँगा, अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग दिव्यांगों के लिए निकालें। बिल्कुल, और ये बहुत अहम भी है आपने जिस बात का जिक्र किया। एक और सवाल, क्योंकि आप आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत जुड़े हुए हैं, अभी पितृपक्ष चल रहा है तो हर किसी के मन में सवाल होता है कि इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नियम होते हैं क्या नहीं, तो मैं चाहूँगी कि अगर आप इसको लेकर के कुछ स्पष्टता दें, क्योंकि आपका तो रुख है इसी में, आप तो धर्मात्मिक तौर पर आप जुड़े हुए हैं। इसमें मैं खाली यही कहूँगा, मैं अपने माता पिता को बहुत बड़ा श्रेय दूंगा कि बड़ी मेहनत करके मैं 84 से नोएडा में शिफ्ट हुआ हूँ और नोएडा काम कर रहा हूँ। जब मेरे माँ बाप की जो कहते हैं ना, अपने माता पिता के प्रति जो उनकी निष्ठा थी वो मैंने देखी है छोटे में, 4th क्लास में, जब मेरे दादा दादी भिवानी में रहते थे, हम लोग भिवानी के रहने वाले हैं, मेरे फादर ग्वालियर में सर्विस करते थे, और वो जब ग्वालियर सर्विस करते तो दादाजी की तबीयत खराब हुई तो मम्मी भिवानी रहती थी। हमने वो समय देखा है कि एक छोटी सी पतीली में जो चाय बनती थी उससे हम रोटी खा लेते थे, और अगर स्कूल जाते थे तो हमें वो प्लास्टिक का जूता जो 40 रुपए का होता था वो बहुत अच्छा लगता था कि वो जूता हमने पहना है तो आज पता नहीं क्या जूता पहन लिया हमने। अगर हम फास्ट करते, ब्राह्मण है फास्ट करते तो किसी पहले ही दिन अगर किसी स्टूडेंट के घर पे गए उसको स्कूल के साथ लेके जाना है, अगर मैंने एक लड्डू खा लिया तो मैं उस लड्डू खा के रह जाता था पूरे दिन, मैं अपने फास्ट में एक ही चीज लड्डू पे ही डिपेंड रहता था पूरे दिन। तो हमारी माता पिता का जो हमें बहुत बड़ा, और मेरा कहना खाली यही होगा कि माँ बाप के जो संस्कार होते हैं ना वही आपको आगे ले जाते हैं और वही आगे बढ़ाते हैं। आज जो प्रेरणा मिली है वो मेरे माँ बाप से मिली है, जो उनका समर्पण था, इसी तरह मेरा खाटू श्याम मंदिर के लिए पूरा समर्पण है, इसी तरह मेरा दिव्यांगों के लिए समर्पण है। मैं एक बात कहता हूँ, दिल्ली में एक टेम्पल है कालका जी का, उस मंदिर में सभी दान पात्र के अंदर समर्पण लिखा हुआ है, उसकी गहराई तक कोई पहचान नहीं। वो दान हम कौन हुए दान देने वाले, उन्हें दान तो प्रभु ने हमको सब कुछ दिया, गाड़ी दी, घोड़ा दी, सब कुछ प्रभु ने दिया है, तो समर्पण आपका कितना है भगवान के प्रति वो सबसे बड़ी बात है। तो हर आदमी को एक दूसरे के प्रति समर्पण रहना चाहिए, जैसे मैं आपसे मिला या मनोज जी से मिला फर्स्ट डे तो मेरा समर्पण उनके लिए हो गया, मैं वो मेरे हो गए, मैं उनका हो गया। इसी तरह मैं भारत 24 का बहुत आभारी हूँ कि आज इस मंच पे वो लेके आए, और दिव्यांगों के लिए मेरी सोच ये है कि पूरे देश के अंदर हर हर प्लेयर को मैं कहूँगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा,
चाहे धोनी हो, चाहे सभी सभी एक्टर्स को जो कहूँगा, कंटेंट करेक्टर राइटर्स को भी कहूँगा, वो लोग आगे बढ़े, बच्चों के लिए लिखे, दिव्यांगों की सेवा मैं कहता हूँ आप करके तो देखो एक बार। मैं एक साल से कर रहा हूँ, मेरा ग्राफ कहाँ पहुँचा मुझे मालूम है। और ये सबसे अहम है, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हो और आपके समर्पण को भारत 24 सलाम करता है। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे इस खास सेशन के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए एक और बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शिवाजी श्यामराव ढोले, चेयरमैन एंड एमडी वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड मौजूद है। मैं आपको मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी। और हमारा जो सेशन है वो है बढ़ता भारत उभरता भारत। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर शिवाजी के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवाजी। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि कोऑपरेटिव के माध्यम से ग्रिप फार्मिंग का क्या उद्देश्य, और ये टर्म एक्चुअली है क्या, क्योंकि मैंने पहली बार सुना है ग्रिप फार्मिंग, क्या है ये? मैम, प्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा निवृत्त जवान और किसान लोगों ने एक साथ आने का। 19 अप्रैल 2019 से ये वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड ये संस्थान है जी, जो कार्य चालू किया है महाराष्ट्र और कर्नाटक स्टेट के अंदर। उनका एक लक्ष्य है ग्रुप फार्मिंग के माध्यम से। इसके पीछे एक रीजन है, इस देश के अंदर दो बहुत बड़े संकट मंडरा रहे हैं और इस देश के अंदर वो रफ्तार उन्होंने पकड़ लिया है। एक है इस देश के अंदर जो खेती हो रही है वो जहरीली खेती हो रही है, दूसरा बात जो सुशिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बहुत बड़ा इस देश के लिए एक खतरा आने वाले समय में है। लोग पैसा कमाएंगे बहुत, बट रोज विष खाएंगे और उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। और निवृत्त जितने भी यंग जनरेशन है, बड़े बड़े कॉलेजेस है, स्कूल्स है, पढ़ाई करने के बाद अगला सॉल्यूशन क्या है? ये जो संकट मंडरा रहे ये रुकवाने के लिए निवृत्त जवान और किसान लोगों ने विष मुक्त खेती करने का निर्णय लिया। इसलिए अजंगवड़े मालेगांव यहाँ पे 528 एकड़ क्षेत्र लेकर ग्रुप फार्मिंग के माध्यम से डेवलपमेंट करते होते हुए तकरीबन 1,00,000 मेंबर्स का कारवा फार्मर लोगों का इकट्ठा आ चुका है। और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ये पूरे देश भर में कम समय के अंदर इसको कैसे फैलाया जाए, ये हम कार्य कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने इस व्यवसाय को शुरू किया और क्यों, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, क्या मन में चल रहा था उस पर? इसके पीछे एक रीजन है, हम एग्रीकल्चर का एजुकेशन किया हुआ है, बट वहाँ से हमने डिफेंस को ज्वाइन किया और डिफेंस में रहते हुए ब्लैक कैट कमांडो रहे दिल्ली हम, बट सिलसिला एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर का ही था। जब वहाँ से जब वापस आए तब जो मैंने निवृत्त जवान और किसान के प्रति देखा, इस देश को दो ही लोग चलाते एक्चुअल में, एक है जवान, मरते दम तक वो अपना सीमा पे अपना जान न्योछोर कर देते हैं, और एक किसान किसी की भी परवाह न करते हुए 2400 घंटा लगा हुआ है, ये देश भूखा न सोए, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर भी दोनों की तरफ लक्ष्य किसी का भी नहीं है इस देश के अंदर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो देश को चला रहा है 70 साल के अंदर किसान लोगों का आत्महत्या अभी तक रुका नहीं है। जो जवान है देश सेवा करके आता है, वो कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कहीं पेट्रोल पंप पे खड़ा है, बड़ा दुर्भाग्य जिसके पास देश चलाने की ताकत है, जिसको 30-32 साल का तजुर्बा होते हुए भी उसको हमने गेट पे खड़ा करके रखा है, इससे क्या मायने है? तो निवृत्त जवान और किसान दोनों इकट्ठ आके इस देश को अभी बहुत एक सुंदर कार्य कर रहा है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र नासिक से हुई है। एक सवाल और भी, क्योंकि जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे मालूम चला कि आप गौ सेवा से भी जुड़े हुए हैं, आपने गिर गाय का भी पालन किया है, तो इसके पीछे क्या मकसद है आपका? ये सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म के अंदर गाय को हमने गौ माता का दर्जा दिया हुआ है, और आज गौ माता को छोड़ के हम बोलना नहीं चाहिए। हम गाय को पालना छोड़ दिया और डॉग को पाल रहे, डॉग क्या दे रहा है मुझे नहीं पता, मगर जो गौ माता है, जो मेरे अजंगवड़े मालेगांव 528 एकड़ जो खेती हम कर रहे हैं वहाँ पे 1500 गिर गाय है, उस गिर गाय के गोबर के माध्यम से हमने पंचगव्य अगरबत्ती बनाया है, इसके बाद धूप कोन बनाया है,
गोबर से इको फ्रेंडली नेचुरल पेंट बनाया है, गोबर के माध्यम से हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया है, गोबर के माध्यम से हम पूरा अभी खाद बनाया है, और ये गौ माता का दर्जा दिया है तो गौ माता को क्यों काटा जा रहा है अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपनी माता है। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, इसीलिए सनातन धर्म ने जो 500 साल से पहले जो कार्य किया है वो पुनर्निर्माण जीवित होना चाहिए, गौ माता की रक्षा होना चाहिए, इसीलिए हमने संकल्प अपनों से ही लिया है। तो हम माता को अपने घर में लाकर उसकी सेवा कर रहे हैं और इसको संरक्षण कर रहे हैं, यही संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि एक गौ माता पूरे देश को विष मुक्त खेती कर सकती है, इसलिए हमने ये लक्ष्य रखा हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि सोच की अभी कमी है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग नहीं है जिनका सकारात्मक रुख होता है इस दिशा में? लोगों के बारे में बोलना मैं नहीं पसंद करूंगा, मगर मैं मेरे परिवार के बारे में बोलूंगा। मेरे परिवार की सोच बदलेगी तो मेरे गांव की सोच बदलेगी, गांव की सोच बदली के तहसील डिस्ट्रिक्ट की सोच बदलेगी। तो सोच तो अपने से बदलना चाहिए, सलाह देने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, तो सोच अपने से बदलना चाहिए। तो पहले हमने निवृत्त जवान और किसान लोगों ने सोच बदल के हम किसान भाइयों के लिए बोल रहे, तू ही अपनी कब्र खोद रहा है, तू विष मुक्त खेती करेगा तो खुद ही विष मुक्त अनाज खाएगा, तो शुरुआत तू पहले से कर। तो इसीलिए हम फार्मर लोगों को बोल रहे हैं कि गाय गौ पालो, गोबर के माध्यम से रेसिडी फ्री विष मुक्त खेती करो, खुद भी अच्छा अनाज खाओ और इस देश को भी अच्छा अनाज दीजिए। और अब आखिरी सवाल आपसे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जरिए जो नव युवा आपको सुन रहे उनको? मैं नव युवा को एक संदेश देना चाहूंगा, ये जो स्कूल्स कॉलेजेस ये जो डिग्री है आपको खुद को संवारने के लिए है, मगर जीवन में सक्सेसफुल होना है, पैसा कमाना है, तो किसी भी फील्ड में जाओगे तो प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ेगा, ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो आप नौकरी के पीछे, एजुकेशन लेने के बाद नौकरी के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? आपके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने का आपको अवसर है तो आप बिजनेसमैन बनिए, उद्योजक बनिए। आपके हाथ देने के लिए, लेने के लिए नहीं, जो नौकरी करता है वो लेने के लिए जाता है। बिजनेसमैन बनोगे तो आप अपने परिवार की हिफाजत करते हो, पूरी देश की हिफाजत कर सकते हो। उद्योजक बनना चाहिए, देने वाला बनो, ये सबसे देने वाला बनना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आज बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है तो जोरदार तालियां, और हम गुजरात में हैं तो गुजरात का कुछ मिजाज भी तो होना चाहिए ना। संत महात्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जिनको आप अक्सर टीवी पर देखते होंगे, आज आपके बीच में, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उन तमाम लोगों का स्वागत। और आज इस मंच से हम उनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनका सफ़र रहा, किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ करके समाज के लिए काम किया है। और इसी कड़ी में, क्योंकि देखिए जब भारत 24 की बात होती है तो हम लगातार, हमारा मकसद ये होता है कि उन लोगों से आपको मिलवाएं जो कि पर्दे के पीछे रह करके काम करते हैं। समाज में होते हैं ना बहुत सारे ऐसे लोग जो अनसंग हीरोज होते हैं, जिनके बारे में आपको नहीं पता, जिनके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि वो लोग कितना काम कर रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि वो समाज के लिए, आपके लिए, हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं। और उनकी ही कहानी भारत 24 आप तक लेकर के आता है। हम लगातार आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कि असल में गेम चेंजर है। और आज इस कार्यक्रम के जरिए वैसे तमाम हस्तियां, वो तमाम लोग जो कि अलग अलग फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनसे आपको मिलवाएंगे। और इसी कड़ी में और भी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल अवार्ड विनर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो किस तरीके से उनका सफ़र रहा, किस तरीके से उनकी सोच रही, और जिसका जिक्र अभी पैनल में भी हो रहा था कि आप अपनी सोच बदलिए, दुनिया सिर्फ सलाह देती है, तो आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको ही तय करना है। तो आगे बढ़ते हुए हमारा जो अगला सत्र है उसकी थीम है बढ़ता गुजरात, उभरता गुजरात। और इसके लिए आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच में मंच पर इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर कृष्ण किशोर गोयल, MD मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी, डायरेक्टर कैथ लैब, SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल अहमदाबाद एंड डायरेक्टर एंड फाउंडर मेडिस्तवा। इसके अलावा मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर सोहिल पटेल, को फाउंडर एंड CTO ओइज़म इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर अभिषेक आचार्य, को फाउंडर ठेका कॉफी। एंड मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर सुलेल आफसी, फाउंडर एंड CEO बमर। और इस
सेशन को होस्ट करेंगे मिस्टर जतिन चौधरी, को फाउंडर ई चाय वेंचर्स। एक बार जोरदार तालियां इन तमाम लोगों के लिए। धन्यवाद 24 टीम का हमें मौका देने के लिए। और मेरा नाम जतिन चौधरी है, मैं ईचा वेंचर्स का को फाउंडर हूँ और आज हमारे साथ गुजरात के सॉलिड सक्सेस स्टोरीज हैं। उनसे थोड़ा क्वेश्चंस में पूछूंगा उनके स्टार्टअप एक्सपीरियंसेस के बारे में, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। और थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, सोहेल ने जहाँ पे एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी के लिए वो बहुत उन्होंने अच्छा काम किया और पूरी दुनिया में उनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। कृष्ण किशोर जी का हेल्थ टेक में है, कंज्यूमर, वो जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स की बातें होती थी मुझे ऐसा लग रहा है कि बमर और ठेका कॉपी वो अहमदाबाद गुजरात से वो ब्रांड्स निकलेगी। तो हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कृष्ण कुमार जी, आप ब्रीफली आपके एक स्टार्टअप के बारे में बताइए। और जब स्टार्टअप, सबको स्टार्ट करना होता है, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो तो चैलेंजेस आते हैं, आपको कौन से चैलेंजेस आए और आप क्या क्या करते हो अभी? हाँ जी, नमस्कार, भारत 24 मनोज जी का धन्यवाद, आभार। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैंने मेरे पेशेंट्स में कुछ मेडिसिंस के एरर फेस किए जिससे मुझे लगा कि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, पेशेंट्स के लिए जानलेवा तक हो सकता है। तो मैंने इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है मेडिसत्व, वो शुरू किया है। मैंने एक पेशेंट्स को लिखा था पल्मोनरी हाइपरटेंशन की दवाई, लेकिन उसको गलती से एसिडिटी की दवाई आ गई, PAH, PAN, H इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज स्लैंटिंग लाइन। उसकी वजह से एक महीने के बाद पेशेंट आता है मेरे पास और नो, ऑब्वियसली नो इम्प्रूवमेंट। उसके बाद उसका एक महीने का टाइम तो वेस्ट हुआ ही हुआ, साथ में उसके पैसे, फिर उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इतना बिल्कुल अलग दवाई आ जाने का। पहले एक्सपीरियंस हो रखे हैं कि डोजेज अलग आ जाते हैं या माइनर इश्यूज हुए, लेकिन ये मुझे को लगा कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, ऐसे कैसे हार्ट की जगह गैस की दवाई एक महीने तक खा रहा था पेशेंट। फिर उसके बाद एक पेशेंट को फिर और थोड़े दिनों के बाद, तब मैं हैंडेड एंड प्रिस्क्रिप्शन लिखा करता था, लेकिन मैं सालों से कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है जैसे एज बाकी डॉक्टर्स की राइटिंग मेरी भी अच्छी नहीं है, तो मैं कैपिटल में ही लिखता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब तो EMR प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन ही देना पड़ेगा। फिर मैंने प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू किया, प्रिंटेड में भी एरर्स होने लगे। हार्ट की जगह न्यूरो की दवाई एक पेशेंट खा रहा था, एक एडवोकेट है पेशेंट, वो BP की कॉम्बिनेशन की जगह सिर्फ सिंपल एक दवाई ले रहा था। फिर मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में बात की, क्या आपके साथ भी ऐसे एरर्स होते हैं? तो एक डॉक्टर ने बताया एक पेशेंट थायराइड की जगह कैंसर की दवाई खा रहा था, एक महीने के बाद आता है तो इतना बड़ा एरर। फिर उसके बाद एक मेरे गायनिक बैचमेट है, तो उन्होंने बताया कि एक प्रेग्नेंट लेडी का गलत दवाई की वजह से अबॉर्शन हो जाता है। एक सरदर्द की गोली की आप अभी क्या काम कर उस पर आ जाइए आप। हाँ जी, उसमें फिर उसके बाद मैंने लगा कि ये एरर्स तो काफ़ी रिस्की है, तो फिर मैंने मेडिसत्व नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जो जो एरर्स डिटेक्ट करेगा। तो मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन में आप लोग पेशेंट्स को डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन और जो दवाई उसने परचेज की है दोनों का फोटो भेजना है, तो हम लोग हमारी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की टीम और डॉक्टर्स की टीम चेक करके बताएगी कि आपको सही दवाई आई है या नहीं। ओके, आप सर्जन हो, आप अभी अपना प्रैक्टिस जारी है और ए कर रहे हो या वो छोड़ दिया और फुल टाइम इसी बिजनेस में? नहीं नहीं, अभी चालू ही है। ओके, और कितना आपका ट्रैक्शन, कितने लोगों को बेनिफिट हुआ ये स्टार्ट करने के बाद? अभी बहुत शुरुआती फेज में है, अभी तो अराउंड 1000 डाउनलोड्स हैं, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे अवेयरनेस फैलेगी, लोगों को पता चलेगा, तो मैं काफ़ी मार्केटिंग भी शुरू, सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू की है मैंने, लेकिन जैसे धीरे धीरे ये और फैलेगा, बाकी लोगों को पता चलेगा कि इस तरह की गलतियाँ भी होती है, तो फिर ये इसको फ़ायदा बाकी लोगों तक भी पहुँचेगा। ओके, ऑसम, थैंक यू सो मच। सोहेल, आप क्या काम करते हो और क्या स्केल है और क्या चैलेंजेस आए? हेलो एवरीवन, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो मैंने शुरुआत तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही किया था। पहले तो इनिशियली जैसे हर कोई सर्विस करता है, मेरा भी एक, मैंने काफ़ी सारी कंपनीज के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाई, और फिर मुझे एक मेरा को फाउंडर मिला जो NID प्रोडक्ट डिज़ाइनर था, और हमने सोचा कि यार अब खुद के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। पर वो मेन चैलेंज इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर में बनाने का वही है कि इकोसिस्टम। 2014-15 में IoT वॉज जस्ट अ वर्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग, तो वो डोमेन में हमने काफ़ी सारा ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद हमने शुरुआत की कि भाई हम लोगों को एनवायरमेंटल के लिए कुछ करना चाहिए, बिकॉज एज मैं भी अहमदाबाद से ही हूँ और हम दिल्ली में मिले थे, वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन के बारे में बातें हो रही थी, एंड
नासिक में हमारा एक इवेंट था, इट्स अ हैकाथॉन जिसमें अर्थकुंभ होता है, 2015 में अर्थकुंभ था नासिक में, वो हैकाथॉन में मुझे जाने का चांस मिला और वहाँ पर हमने पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके पहला POC किया। अब बेसिकली जब भी आप एयर देखते हो तो एयर में हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई क्या है, बिकॉज कुछ दिखता नहीं, इट्स जस्ट एयर। वो एक चैलेंज हमने उठाई और उसको मॉनिटरिंग करना शुरू किया, उसके सेंसर डिज़ाइन करने शुरू किए। इनिशियली जब स्टार्ट किया तब हमने 5 सेंसर से स्टार्ट किया था, 5 पैरामीटर हम मॉनिटर कर रहे थे। नाउ वी आर डूइंग 30+ सेंसर्स, वी आर राइट नाउ हम लोग 70+ कंट्रीज में हमारे सेंसर हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो इंडिया में बनते हैं, हमारी खुद की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। मेजर चैलेंज था कि भाई ये टेक्नोलॉजी को कॉम्पैक्ट, अफोर्डेबल और स्केलेबल बनाना। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी है, पर वो बहुत ज़्यादा बड़े डिवाइसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी आते हैं और मेंटेनेंस भी बहुत चाहिए उसमें। तो वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर वर्क करके हमारी टेक्नोलॉजी से हमने पूरी की पूरी इकोसिस्टम को कॉम्पैक्ट बना दिया, एक तो स्केलेबल बना दिया और अफोर्डेबल भी बना दिया। ओके, ऑसम, थैंक यू सो मच। अभिषेक, आप कॉफ़ी ब्रांड बना रहे हो, अहमदाबाद में चाय बहुत चलता है, कॉफ़ी का कल्चर कैसे स्टार्ट किया, वो चैलेंजेस क्या है, क्या अभी क्या स्केल है वो भी बताइए आप। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू भारत 24 एंड एवरीबॉडी टू गिव अस दिस प्लेटफॉर्म। टेका कॉफ़ी ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, कुछ लोगों ने शायद शार्क टैंक पे देखा होगा और फिर हमारी जर्नी फॉलो की होगी। बट सिंपल आइडिया था, कॉफ़ी एक गैप देखा जब हम शुरुआत कर रहे थे 2017 में, वी सॉ स्मॉल गैप कि कॉफ़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे पॉपुलर बेवरेज है, इंडिया में वो केस नहीं था। व्हाट वी अंडरस्टूड, जो समझ में आया कि एक इंटिमिडेशन है विद द प्रोडक्ट, यू नो कॉफ़ी बिकती एक अलग तरीके से थी उस टाइम पे, यू नो एक कैपेचिनो और लाते या माकिया तो एक बहुत ही फैंसी से कैफ़े में, शाइनी कैफ़े में, जहाँ पर शायद कुछ लोग जाने से भी डरते हैं और मेन्यू में कुछ क्या लिखा है समझ में नहीं आता है। सो दैट वॉज द गैप बिटवीन द कंज्यूमर, 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वो समझ ही नहीं सकती कि वो प्रोडक्ट क्या बिक रहा है, एक एलिटिस्ट ड्रिंक के तौर पे देखा जाता था। एंड वी थॉट दैट यू नो वी कैन चेंज दैट, सिर्फ एक अगर हम थोड़ा सा उसको इंडियनाइज्ड वर्जन में किसी तरीके से बेच पाएंगे तो आई थिंक वी विल हैव अ गुड ट्रैक्शन देयर। वी लाइक कॉफी आवरसेल्फ्स, हमने खुद ही प्रोडक्ट डेवलप किए, पैकेजिंग इस तरीके से क्रिएट किया, पोजिशनिंग इस तरीके से क्रिएट किया विच अपील्स टू द मासेस एंड यंगर ऑडियंस इज वेल। फॉर एग्जाम्पल एक कॉफ़ी है जो हमारी बेस्ट सेलर है जिसको हम कहते हैं पलंग तोड़ कॉफ़ी, सो इट्स जस्ट अ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, मैसेज क्लियर हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है, वी डोंट कॉल इट अमेरिकानो और एनीथिंग एल्स, इट्स कॉल्ड पलंग तोड़ कॉफ़ी, इट्स सिंपल। द माउथ फील ऑफ द वर्ड इट सेल्फ इज सो गुड दैट लोगों को बोलने में भी मजा आता है। सो दैट्स हाउ वी कनेक्टेड टू द ऑडियंस इनिशियली 2017 में शुरू किया, अट्रैक्शन बहुत अच्छा आया। कोविड वॉज डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस ऑब्वियसली, स्पेशली द फूड एंड बेवरेज, तो वो स्ट्रगल भी देखा, EMIs बाउंस हुई, गाड़ी बेची, किसी तरीके से ब्रांड को जिंदा रखा, उसी को शार्क टैंक पे लेके गए एंड देन वहाँ से सारी स्टोरी ऑब्वियसली पीपल नो। राइट नाउ वी आर एट ऑलमोस्ट 1,000 locations, वी आर एम्प्लॉइंग ऑलमोस्ट 2,500 people डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड या वी आर प्लानिंग टू गो इंटरनेशनल एज वेल, सो या दैट्स दैट। ओके, पॉपुलर रियलिटी शो में आने के बाद लाइफ सेट हो जाती है कि फिर भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, स्ट्रगल तो बहुत है, आज भी 13-14 घंटे काम तो होता ही है। इट्स नॉट, मतलब ऑब्वियसली यू गेट ट्रैक्शन, हाउ यू राइड इट इज अप टू यू, आप कितना उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। सुलाई ऑल्सो हैज द सेम स्टोरी आई थिंक। आपने ट्रैक्शन बोला, सुलाई का स्टोरी अगर आपको पता है उसको बहुत ट्रैक्शन मिला है। एब्सोल्युटली। सुलाई, आपके बारे में बताइए, इनिशियल क्या चैलेंजेस है और आपका द कैटेगरी ऑफ योर प्रोडक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्टली थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर टू भारत 24। हमारी ब्रांड का नाम बमर है, हम लोग एक इनरवेयर ब्रांड है, आउट ऑफ एवरीथिंग आज स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इंक्लूडिंग यू नो 10-minute डिलीवरी एंड एवरीथिंग एल्स, बट इनरवेयर एक ऐसी कैटेगरी है जो पर्सनली 2020 में 2019 में जब मैं US में पढ़ाई कर रहा था, बहुत एक इंटरेस्टिंग इंसाइट था US कंज्यूमर मार्केट में कि वहाँ का जो फैशन अपैरल क्लोथिंग मार्केट था, हाउ एक्साइटिंग दैट मार्केट वॉज, एंड व्हेन आई लुक बैक एट इंडिया, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट निकल रहा था कि ये कैटेगरी ऐसा है कि जो एसेंशियली अगर हम सोचने जाए तो इंडिया की अगर 130-140 करोड़ की आबादी है, हर बंदे की कंज्यूमर नीड है ये प्रोडक्ट। हाउएवर एट द सेम टाइम ये कैटेगरी ऐसी थी जो गिने चुने 4-5 ब्रांड्स, आपके जॉकी ले लो, रूपा, डॉलर एट्सेट्रा डोमिनेट कर रखी थी। सो क्लियरली आई थिंक द आइडिया वॉज कि कैटेगरी में पोटेंशियल बहुत ही एक्सेसिवली ज़्यादा है,
अब उसके अंदर हमारा नीश ये था कि आज ये सारी ब्रांड्स राइट फ्रॉम चिल्ड्रन ऑल द वे अप टू ओल्ड एज कंज्यूमर 60, 70, 80 ईयर्स ओल्ड कंज्यूमर तक सिंगल हैंडेडली ब्रांड डिप्लॉय कर रहे थे देयर सॉल्यूशंस एंड देयर प्रोडक्ट्स. सो विद बमर हमारा एक सिंपल एजेंडा था, हाउ डू वी बिल्ड अ कैटेगरी फॉर द यंग कंज्यूमर ऑफ इंडिया टुडे, जो आज फास्ट फैशन में हो रहा है, आपके ज़ारास और H&M's इंडिया में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो हमारे लिए दैट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वाई वी स्टार्टेड बमर एज अ ब्रांड. ऑफकोर्स हमको आज ब्रांड को 4 साल हो गए, वी स्टार्टेड फ्रॉम अहमदाबाद ओरिजिनली ऑनलाइन ई कॉमर्स ब्रांड. आज हम भी 10 मिनट्स में डिलीवरी करते हैं जेप्टो के थ्रू अक्रॉस द कंट्री. 2022 में 21 के एंड में हम भी आए थे शार्क टैंक में, वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहा था एंड काफ़ी फेमस एपिसोड था. अगर किसी ने सुना है वो दोगलापन वर्ड निकला था शार्क टैंक में, विच एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम आर एपिसोड. बट सिंस देन द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग. वी आर टुडे अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट 70-80 पीपल इन द कंपनी. वी सर्व्ड मोर देन 5 लाख कंज्यूमर्स अक्रॉस इंडिया एंड वी आर कंटिन्यूइंग एक्सपैंडिंग. होपफुली वील सून बी एक्सपैंडिंग इंटरनेशनली एज वेल. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एंड 4 years journey has been fantastic for us. Nice, awesome. ये पूरे conclave में बहुत ही power packed sessions है और हमारे पास अभी 8 मिनट ही है. तो आप एक दो लाइन में आंसर देना, मुझे एक दो राउंड और करने. सुले आप आजकल D2C brands की बहुत बातें होती है कि everybody बहुत सारे लोग start कर रहे हैं. आप जनरली क्लोथिंग इनरवेयर ना लोगों को एक बार प्रोडक्ट देखना होता है, टेस्ट तो नहीं करना होता है, वो देखा फिर वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं परचेस करूंगा या करूंगी. तो आप ऑनलाइन कैसे इसका मारे, आपका कम्युनिकेशन क्या रहता है कि लोगों को इंस्पायर करता है ऑनलाइन जावे पैसे दे और वेट करके प्रोडक्ट आ जाएगा. आज आई थिंक वेदर वो फूड की बात हो या क्लोथिंग की बात हो या कोई भी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की भी कोई कैटेगरी हो, आई थिंक ऑनलाइन इसलिए इतना ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज सारे ब्रांड्स का कम्युनिकेशन और इमेजरी वीडियोग्राफी कंटेंट जो भी आज बन रहा है, विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट जो आज प्रोडक्ट को बेच भी रहा है एट द एंड ऑफ द डे. नाउ जो भी ब्रांड्स आज वो कंटेंट काफ़ी रिलेटेबल बना रहे हैं इन अ वे कि आप वो कंटेंट देख के रिलेट कर सकते हो कि यार ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में आएगा तो हाउ विल इट फील, इसका क्या इफेक्ट होगा, कैसे होगा. आई थिंक दोज आर द ब्रांड्स जो आज जेन्युइनली ऑनलाइन कंज्यूमर इकोसिस्टम को विन कर रहे हैं इन सम वे और द अदर. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ कॉफ़ी ऑल्सो, मैं एक्चुअली टेस्ट तो नहीं कर सकता यार, बट मैं ऐसा कंटेंट बना सकता हूँ जिससे मैं जेन्युइनली इमोशन निकाल सकता हूँ कि यार ये कैसा टेस्ट होगा इफ इट वाज एक्चुअली इन माय हैंड सो टू स्पीक. सो आई थिंक हमारे लिए भी वही सेम जर्नी रहा है कि हाउ वी बिल्ड आर कंटेंट वेयर हमारा कंज्यूमर वो कंटेंट से रिलेट कर सकता है और समझ सकता है कि ये प्रोडक्ट का फिट फील एक्सेट्रा एक्सेट्रा कैसा होगा. उसके बाद की जर्नी ऐसी है कि ऑनलाइन इकोसिस्टम में सबसे क्रिटिकल चीज़ जो अभी हो रही है कि मोस्ट ऑफ द बाइंग जो हो रही है वो इम्पल्स बाइंग हो रही है. देखा, अच्छा लगा, प्राइस में है, बजट में है, डन, राइट? बिकॉज वो मैं घर बैठे बैठे अपने फ़ोन पे 10 मिनट में काम कर सकता हूँ. सो दैट जो एडेड कन्वीनियंस वाला फैक्टर है दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन दिस प्रोसेस. आपको रिटर्न्स का प्रॉब्लम होता है? किसका? रिटर्न्स का. इनरवेयर में तो रिटर्न्स होते ही नहीं है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, परफेक्ट. अभिषेक, आपने जैसे बताया कि आपने कॉफ़ी को थोड़ा डेमोक्रेटाइज किया, एलीट ब्रांड लगता है, पर जब बिजनेस एक लेवल पे स्केल आता है, आप फ्रेंचाइजीज दोगे, तब तो आपको थोड़ा बताना पड़ेगा ना, हम भी बहुत सॉलिड लोग हैं. तो वो जब ट्रांजिशन आप कैसे करते हो, कि स्टार्ट करते हो जमीन से जुड़ा हुआ ब्रांड बट अप मार्केट भी होगा, या वो प्लान है, या आपका ग्रोथ प्लान क्या होगा इसको कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, सो वी वॉन्ट टू बी ट्रू टू आर आइडेंटिटी विद ठेका कॉफी. वी ऑलवेज बिलीव्ड दैट वी वॉन्ट, सो एज अ कैटेगरी मास प्रीमियम हैज ऑलवेज अपील टू मी पर्सनली एंड माई को फाउंडर एज वेल. एंड वॉट वी बिलीव इज कि इंडिया में जो अभी 95% पॉपुलेशन है, यू नो, दे आर आर मेन कंज्यूमर्स, दे आर द वंस हु मेक बिलियन डॉलर ब्रांड्स. विद ठेका डे वन से हमारा सपना था बिलियन डॉलर ब्रांड बनाना है, वही प्रोडक्ट की पोटेंशियल है एंड वी वॉन्ट टू फुलफिल दैट. सो लाइक वी वॉन्ट टू बी अ कंपिटिटर ऑफ अ कोक, राइट, और अ पेप्सी. इफ वी आर अवेलेबल एट आर्म्स लेंथ ऑफ डिजायर देन वी विल बी दैट. So when the potential is that, to fulfill that, we have to appeal to the masses. We don't want to get into that ki, you know, jo kafi aur bhi players kar rahe hain to just to appeal to a niche consumer. We don't want to be that. Hum 95% logo ko hi target karna chahte hain and we want to serve a very good product at a very affordable pricing. And India mein obviously disposable income is increasing little bit right now. Jo lower middle class tha wo graduate karke ab thoda sa, you know, getting exposure to better things.
So I think there is a potential over there which can be tapped massively. जो आज तक लोग शायद एक नया ब्रांड आके अनदेखा कर देता था क्योंकि ग्लैमर नहीं है उधर ज्यादा, बट वॉल्यूम तो वही है और नंबर्स वही है आई थिंक. ओके थैंक यू. सोइल एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है की बहुत बात होती है, तो ऐसे बिजनेस को लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं, अवार्ड्स बहुत सारे देते हैं, पर बिजनेस नहीं देते. आप बिजनेस बिल्ड कर पाए हो, तो लोगों को कैसे कन्विंस किया कि आपको सपोर्ट यानी फंडिंग मिले, कस्टमर्स मिले, कैसे वो कीजिए आपने? सो बेसिकली एनवायरमेंट में फंड भी काफ़ी कम होता है जनरली वर्ल्ड वाइड, बट रिसेंटली आफ्टर वी सी आफ्टर 2015 काफ़ी सारे नॉर्म्स बने हैं कि जिसमें एनवायरमेंटल फंड इज़ स्पेसिफिकली एलोकेटेड, उसी का हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा भी मिल गया. और मेन वही था कि भाई इंडिया से कोई सेंसर कंपनी बाहर आ रही है, जनरली हमने देखा है कि जितने भी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूरोपियन कंपनीज ही बनाती है, तो और वही लोग स्टैंडर्ड भी वही लोग बना रहे हैं कि भाई क्या होना चाहिए, कैसे मॉनिटर होना चाहिए. सो वो एक चैलेंज हमारे लिए मेजर था कि भाई इंडियन ब्रांड को वर्ल्ड के मैप में कैसे लगाए, वो भी सेंसर ब्रांड को. और वो चैलेंज आई थिंक सो हमने लास्ट 3-4 सालों में काफ़ी इनोवेशन करके सॉल्व किया है कि भाई हमने सर्टिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, कैलिब्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया सेंसर्स के. और रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है कि जब हमारा इवेंट हुआ था दुबई में जिसमें हमने हमारे सारे पार्टनर्स को बुलाया था, 50+ कंट्रीज के पार्टनर आए थे, और एक सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि भाई जो कंट्री अभी इंडिया इज़ अ नेम वेयर कि भाई जहाँ पर आप चंद्रयान एक हॉलीवुड बजट के कॉस्ट में इतने सारे रोबोट्स और सेंसर मून पे भेज सकते हो, तो वो कंट्री पे अभी रिलाई कर सकते हैं कि भाई वो कंट्री के मॉनिटरिंग सिस्टम और सेंसर भी खरीद सकते हैं हम. सो ये एक मेरी सेल्स टीम हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन है कि भाई हम लोग बनाते रहे, टेक्नोलॉजी को क्रैक करते रहे, सेल्स हो जाएगा. ओके ऑसम. आपके लिए मेरा क्वेश्चन होगा कि अभी बहुत सारे लोग स्टार्टअप में इंस्पायर होते हैं, उनका खुद का बिजनेस, आपका मेन प्रोफेशन आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, स्टार्टअप भी स्टार्ट किया, तो उसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं ना कि आपको अपना ईगो छोड़ना पड़ता है कि आप सर्जन हो, आप अपॉइंटमेंट नहीं दोगे किसी को, पर मोबाइल ऐप बोले बोले ऐप डाउनलोड कर लो. ऐसा क्या ट्रांजिशन होता है जब आप वो मेन प्रोफेशन से स्टार्टअप फाउंडर वाला आता है, कौन सी चीज़ें जो आप अलग करनी पड़ती है, कैसे करनी पड़ती है? मुझे इवनिंग क्लिनिक नहीं करना था, तो मुझे था कि शाम को 6 बजे फ्री होने के बाद मैं कुछ तो अलग करूँ एज ए डॉक्टर. लेकिन फिर मुझे जब ये एरर्स मेरे साथ हुए तो मुझे लगता है कि कुछ तो ये मेरा फंडा है, कर भला तो हो भला. अभी का मैं ये भी नहीं बता सकता कि मेरी रेवेन्यू मॉडल क्या है आगे जा करके, लेकिन मैं ये इंडिया में एनुअली 5 मिलियन एरर्स होते हैं, उसमें से 40,000 जितने डेथ्स होते हैं बिकॉज ऑफ मेडिकेशन एरर. तो मेरी शिफ्ट शुरुआत है कि पहले इसको पूरे इंडिया में पहुंचाऊं, इसे मेरे पेशेंट के लिए, पूरे इंडिया के लिए मैंने बनाया कि ये पहुंचाना है दो लोगों तक कि भाई इस तरह से गलतियां होती है, आपको भी ध्यान रखना है कि आपको जो आप जो दवाई खा रहे हैं वो सही है या नहीं. तो इस तरह से अभी मैंने सब कुछ फंडिंग खुद से ही किया है, अभी पिच भी नहीं किया है किसी को, क्योंकि पहले रेवेन्यू मॉडल बने फिर मैं पिच करूंगा. लेकिन तब तक ये मेरी कोशिश है कि पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए. और जैसे दूसरे अभी इसको फ्री, ये जो मैंने रखा है इसको वेरिफिकेशन, ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है. ओके ऑसम. आखिरी एक मिनट है, आप एक दो वर्ड में आंसर दे देना. बात हो रही है गेम चेंजर्स की, आप अपने बिजनेस के थ्रू क्या गेम चेंज करना चाहते हो? एक दो वर्ड में ही आंसर दे दो तो फटाफट खत्म हो. बिजनेस से क्या गेम चेंज करना चाहते हो? हाँ, आई थिंक हमारा तो कैटेगरी इतना बोरिंग है, तो पूरा कैटेगरी चेंज करना है हम लोग को तो ओवर द प्रॉली नेक्स्ट 5-7 ईयर्स. ओके अभिषेक ठेका. एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वी आर इन्फोर्सिंग, एक्चुअली यू नो ट्राइंग टू क्रिएट एन एनवायरमेंट विद ठेका विद कॉफी एंड अदर प्रोडक्ट्स एज वेल जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे काफी जोर देता है, एंड दैट्स द मॉडल दैट वी आर फॉलोइंग राइट नाउ. सोइन डेफिनेटली द एयर कि भाई जो हम चाहते हैं कि भाई जितना भी हम क्लीन कर सके एयर को, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो भी आ रही है उनको वो अच्छी एयर ब्रीथ कर सके. ओके हमारे सेशन का आखिरी आंसर होगा तो सॉलिड आंसर दो आप. क्या गेम चेंज करना चाहते हो? इलाज तभी जब दवा सही. आप सही दवाई लेंगे तो ही इलाज होगा. ऑसम थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां इन तमाम लोगों के लिए. बढ़ता गुजरात, उभरता गुजरात में इनकी भूमिका बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है. और जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि आज भारत 24 के इस मंच से आप उन तमाम लोगों को सुनेंगे, उनको जानेंगे जो कि अपने आप में एक खास है, शख्सियत है,
जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। अलग अलग वर्गों से, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग क्षेत्रों से वो जुड़े हुए हैं और ऐसे तमाम लोगों की कहानी भारत 24 आज आपके बीच लेकर के पहुंचा है। हमारे साथ और भी खास मेहमान है, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ जल्दी से उनका इंट्रोडक्शन आप तक करवाते हुए, हमारे साथ महंत दिलीप दास जी महाराज हैं जो कि मुख्य पुजारी हैं जगन्नाथ टेम्पल अहमदाबाद। एक बार जोरदार तालियां महंत जी के लिए। हमारे साथ श्री ललित किशोर शरण जी महाराज मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां ललित किशोर जी के लिए। हमारे साथ रजिया शेख एथलीट और गुजरात फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन जैवलिन थ्रो इस वक्त मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियां रजिया शेख के लिए। हमारे साथ अरविंद वेगड़े इस वक्त मौजूद है, गुजराती सिंगर है, तो एक बार जोरदार तालियां अरविंद जी के लिए भी। ये मंच आपका स्वागत करता है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं गेम चेंजर की, गेम चेंजर वो लोग हैं जो कि इसी तरीके से लगातार कार्य कर रहे हैं और इसी तरीके से पूरी कहानी को बदल रहे हैं। और इन गेम चेंजर्स की स्टोरी भारत 24 के सीबीओ मनोज जिज्ञासी आप तक लेकर के पहुंचते हैं, उनकी कहानी के बारे में आपको बताते हैं। अभी तक का सफर बहुत शानदार रहा है, इस एवी क्लिप के जरिए आपको एक झलक उसकी दिखाते हैं। भारत 24 को भी और मनोज जिज्ञासी जी दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ। बड़ी प्रसन्नता है और आपके इस शो की एक साल की भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं मनोज जिज्ञासी जी और टीम के हर मेंबर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, तहे दिल से मुबारक देता हूँ। गेम चेंजर्स का एक साल पूरा हो रहा है, मैं गेम चेंजर्स को और मनोज जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मनोज जिज्ञासी इज द बेस्ट होस्ट इन दिस ट्रेड। गेम चेंजर प्रोग्राम है, एक साल पूरा कर रहा है, इसके लिए भारत 24 और गेम चेंजर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं फिर तमन्ना करूंगा और दुआ भी करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि उनके साथ फिर मुझे एक मौका मिले। भारत 24 को और मनोज जिज्ञासी जी को दोनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर शुभकामनाएं देना चाहता हूं मनोज जी को भारत 24। मैं आशा करता हूं ये साल दर साल ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और हम इसको एंजॉय करते रहें। Unleash the power of visionary leadership. Meet the game changers. Transforming industries. Inspiring culture. And shaping the future. Bold moves, big risks, massive rewards. This is where legends are born. Game Changers with MJ, Season 2, only on Bharat 24. तो जोरदार ताली। और आप में से भी कई लोग हैं जो कि गेम चेंजर्स हैं और उनसे मुलाकात भारत 24 लगातार अपने दर्शकों को आज करवा रहा है। आगे बढ़ते हुए जो हमारा अगला सत्र है उसका विषय है आरोग्य भारत, समृद्ध भारत। और उसके लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे आपका तारुफ करवाएंगे क्योंकि ये जो पूरा सेशन होने वाला है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, हमारे सनातन संस्कृति में इस बात का जिक्र है, तो ऐसे में आपकी सेहत से जुड़े हुए तमाम सवाल आज इस सत्र में पूछे जाएंगे और इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी आपकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर बसंत गोयल, फिलांथ्रोपिस्ट, इसके अलावा डॉक्टर समीर दानी, सीईओ अपोलो CVHF हार्ट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद। एक बार जोरदार तालियां दोनों ही खास मेहमान के लिए। और इस सत्र के संचालन के लिए मैं मंच पर इन्वाइट करना चाहूंगी मेरी वरिष्ठ सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा। तो इस सत्र में वो तमाम सवाल होंगे जो कि आपके जहन में होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जागरूकता की कमी की वजह से लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि आखिरकार बीमारी क्या है। और ऐसे में भारत 24 लगातार आप तक ये जानकारी और जागरूकता फैलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी समाज में भी एक बड़ी भूमिका हो जाती है किस तरीके से हम लोगों को सचेत भी करें, लोगों को जागरूक भी करें। और जब सेहत की बात होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक जानकारी आप तक हो और वही जानकारी जुटाने का प्रयास आज ये मंच करेगा। थैंक यू सो मच प्रिया। यहाँ पर आज गुजरात की धरती पर हम मौजूद हैं और वैसे तो कहते हैं कि सितारे आसमान में चमकते हैं, लेकिन आसमान में चमकते हुए सितारे जब धरती पर अपनी चमक को बिखेरते हैं तो उनका नाम होता है मानव और मानसी। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है, एक बार जोरदार तालियों के साथ पहले तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत किया जाए। मानसी को नेशनल अवार्ड,
मिल चुका है एक गुजराती फिल्म के लिए. न सिर्फ गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में इनकी अलग पहचान है बल्कि नेशनल और एक सिंगर के तौर पर आप बहुत बेहतरी के साथ जानी जाती हैं. तो क्यों ना एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. और तालियों की गड़गड़ाहट तब तक नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि नेशनल अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड होता है. मानव, आपकी एक्टिंग के बहुत सारे चहेते हैं, आपकी एक्टिंग को बहुत लोग पसंद करते हैं. आपको बड़े पर्दे पर, टीवी पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम सब ने देखा है और आज आप भारत 24 के मंच पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं. आपने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एक बार जोरदार तालियां दोनों खास मेहमानों के लिए. और आगे बढ़ते हैं. जैसा कि प्रिया ने कहा कि यहाँ से बहुत सारी आज चर्चा होने वाली है. डॉक्टर बसंत गोयल हमारे साथ मौजूद हैं. आपका स्वागत करती हूँ डॉक्टर बसंत. साथ ही हमारे साथ डॉक्टर समीर दानी भी मौजूद हैं. डॉक्टर समीर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. और एक बार फिर से तालियां हो जाएं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें इस मंच से आज हो रही हैं. और क्योंकि टाइमर शुरू हो चुका है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूंगी. डॉक्टर बसंत गोयल, सबसे पहला सवाल आप ही से, क्योंकि आयुर्वेद और एलोपैथ की हम बात करते हैं तो इन दोनों को मिलाकर क्या कोई चिकित्सा पद्धति विकसित करनी चाहिए और वो कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग सर. आई एम वेरी थैंकफुल टू भारत 24 जिन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया. एक मौका अभी दिल्ली में दिया था, उसके बाद मैं गुजरात में हूँ आज. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है. अभी तक जो हमारा एलोपैथी में रहता है, मैंने बेसिकली पीएचडी किया दो सब्जेक्ट के अंदर, एक डायबिटीज के अंदर और एक मेडिसिन के अंदर फ्रॉम यूएस. इन दो कॉम्बिनेशन को एक साथ किया जा सकता है. ऐसा मानते हैं लोग कि एलोपैथी को नहीं ऐड किया जा सकता, ऐसा नहीं है. हम इसको ऐड कर सकते हैं. बेसिकली डिपेंड करता है किस बीमारी में किस जड़ी बूटी का या किस आयुर्वेद का रोल है, उसके बाद हम उसको ऐड कर सकते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस प्रोडक्ट को किसके साथ ऐड कर सकते हैं. जिसमें मैं एग्जांपल देता हूं, पिछली बार दिल्ली में मेरे साथ डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर सरीन थे. दे वर सपोज टू बी द फादर ऑफ बेसिकली मेडिसिन. एक लीवर में अपने आप में कमांड है, एक डॉक्टर गुलेरिया ने अपने आप में एक कोविड के ऊपर कमांड किया था. तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं. जैसे किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन के पास हमारे पास एज सच एलोपैथी में कुछ नहीं है, आयुर्वेदा में बहुत कुछ है. लोग इतना सफर करते हैं, लोगों को यूजुअली एक ही चीज मिलती है कि इसके लिए सर्जरी के लिए जाया जाए, तो ऐसा नहीं है. हम लोग आयुर्वेदिक में बहुत सारे प्रोडक्ट इसके लिए बन गए किडनी स्टोन के लिए. जैसे नीरी एक टैबलेट है, इस तरीके से कैलकुरी है. तो हम लोग बेसिकली एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक को यूज कर सकते हैं. उसी तरह लीवर का एक एग्जांपल है. लीवर में जैसे ली 52 है, वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर इन आयुर्वेदा. तो इस प्रोडक्ट को हम एलोपैथिक के साथ शुरू कर सकते हैं. तो मेरा मानना यह है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम एलोपैथी और आयुर्वेदा को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. 100% कनेक्ट कर सकते हैं. बस इतना पता होना चाहिए कि उस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की एफिकेसी कितनी है और वो उसके साथ किस तरीके से किस कॉम्बिनेशन में जाएगा, ये डिपेंड करता है. डॉक्टर समीर दानी, कहते हैं कि आप काम करते जाइए और दुनिया फिर आपकी सफलताओं की बात करती है. पहले तो आपसे थोड़ी देर पहले मनोज जिज्ञासी जी से चर्चा हो रही थी तो आपकी तारीफ में उन्होंने कई कसीदे पढ़े और ये बताया कि आपकी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हैं. और उन्हीं उपलब्धियों का एक बार जिक्र मैं भारत 24 के मन से और लोगों के सामने करना चाहूँगी और फिर चाहूँगी कि अपने सफ़र के बारे में आप विस्तार से बताइए. 1990 में आपने MD मेडिसिन में पहली रैंक हासिल की. 38 कैंडिडेट में एग्जाम क्लियर करने वाले आप इकलौते कैंडिडेट थे. 1993 में DM कार्डियोलॉजी में यूनिवर्सिटी में आपकी पहली रैंक रही. डॉक्टर NH पटेल गोल्ड मेडल ऑफ कार्डियोलॉजी पाने वाले राज्य के आप पहले कैंडिडेट रहे. 1995 में हर गोबिंद फेलोशिप, 2012 में प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड से आप नवाजे गए. जाहिर बात है कि ऐसे सम्मानों की फहरिस्त बहुत लंबी होगी लेकिन आपकी सफलताओं का जिक्र क्यों ना आपके माध्यम से हो जाए. मेरी सफलताओं का जिक्र करने का माध्यम ये नहीं है, ये माध्यम है इस विषय का कि हम अपने आरोग्य की चर्चा करें, हम हृदय के बारे में चर्चा करें.
आप मेरी सफलता के बारे में बात करेंगे तो मैं थोड़ा शर्मिंदा हो जाऊंगा क्योंकि ये यहाँ पे सारे सफल लोग बैठे हैं, राइट? सो वो तो बात ही अलग है. मैं ये चाहूँगा कि हम अपने आरोग्य के बारे में, अपने हृदय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें क्योंकि ये मेरा पैशन वो है. और किसी की भी सफलता का रहस्य वो व्यक्ति अपने विषय के बारे में कितने लगाव से काम करता है उसमें, उसके ऊपर है. सो जैसे बहुत पुरानी बात है एडिसन की, सक्सेस इज 99% परस्पिरेशन, ओनली 1% इंस्पिरेशन. सो बात वही है. चलिए कोई बात नहीं. कहते हैं कि जब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि उनका काम अपने आप में बोलता है. और शायद डॉक्टर समीर दानी इसी फलसफे के साथ आगे बढ़ते हैं. लेकिन डॉक्टर बसंत गोयल, क्योंकि आपने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेद और एलोपैथी का आप जिक्र कर रहे थे कि कैसे इसको हम कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है जो, उससे बीमारियों को हम ख़त्म कर सकते हैं पूरी तरीके से? जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज ज़माना आगे बढ़ रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक पार्ट है आज हमारे मेडिकल बैकग्राउंड पर. लेकिन यदि हम कहें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर हम लोग किसी डिसीज को ख़त्म कर सकते हैं तो नहीं, वो एक पार्ट है. एक पार्ट के रूप में, एक कम्बिनेशन के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं. डॉक्टर समीर दानी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आप कहेंगे कि ये मंच नहीं है. लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी, ये मंच है और उन तमाम उपलब्धियों का जिक्र मुझे करना होगा क्योंकि आप 30,000 से ज़्यादा कार्डियक कैथेटराइजेशन कर चुके हैं, इसके साथ ही एंजियोग्राफी प्रोसीजर्स आप कर चुके हैं, 18,000 से ज़्यादा कोरोनरी एंजियोग्राफी आपने की है, 7,000 से ज़्यादा इंटरवेंशंस आप कर चुके हैं, 300 से ज़्यादा परमानेंट पीसमेकर इम्प्लीमेंटेशन आप कर चुके हैं, और भी बहुत कुछ है. तो ज़रा किस तरीके से आपने इतना सब कुछ अचीव किया, सक्सेसफुली अचीव किया, और इतना सब करने के बाद आप खुद को कहाँ पाते हैं? मैं एक्चुअली डॉक्टर बना इसलिए कि मेरे फैमिली में बहुत डॉक्टर्स थे. सो मैं कुछ लोगों को अपना आइडियल मानता था, उनमें फैमिली में जो डॉक्टर्स थे उनसे मैं बहुत प्रभावित था. दूसरे, मेरे मार्क्स अच्छे आते थे. सो और कोई उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता था, जिसके मार्क अच्छे आते हैं वो डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है. आज के जैसे मैं ये अभी जो युवा प्रतिभाओं को देखा, मुझे हमारे ज़माने में, वो बहुत पुराना ज़माना नहीं था, पर जस्ट 40-50 ईयर्स बैक इट वॉज़ नॉट लाइक दैट. इतनी अपॉर्चुनिटीज़ शायद थी पर दिखती नहीं थी. और हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता था ज़्यादा उनके बारे में. सो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, ऐसा चलता था. पर एक बार मैं ये फील्ड में गया, उसके बाद मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ. और मेरा बड़ा कज़िन था, भाई था मेरा, मेरी बुआ का लड़का जो डॉक्टर था, उसको मैं बहुत मानता था. और उसने मुझे एक्चुअली तो डॉक्टर बनने से रोका था कि तुम मानते हो इतना ग्लोरी नहीं है अब वहाँ पे, यहाँ पे इतना मान सम्मान नहीं रहा डॉक्टर्स का, दुनिया बदल गई है. पर फिर भी मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसके पापा की बात मानी जो भी डॉक्टर थे. और वो भाई, ही डाइड सडनली एट एज 32 व्हेन ही वाज अ बडिंग न्यूरोलॉजिस्ट. वो न्यूरोलॉजिस्ट बनने जा रहा था और US में बहुत फिट बंदा था, पर US में कहीं पे एक पहाड़ी पे उसका शव मिला और जब ऑटोप्सी हुई तो पता चला कि उसको मासिव हार्ट अटैक आया था जी. तो तब से मेरी दुनिया बदल गई और मैंने हार्ट अटैक के बारे में, मैं उस टाइम पे तो सिर्फ MBBS स्टूडेंट था, मेडिकल स्टूडेंट में, जस्ट मेडिसिन में एंट्री ली थी.
और तब से मैंने जानना शुरू किया, खोज ज़्यादा की और पता चलता गया कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स अपनी प्रकृति और बाहर के फैक्टर्स किस तरह से हार्ट डिजीज़ हृदय रोग को बुलावा देते हैं जी। और फिर उस विषय में रस बढ़ता गया और सिलसिला चलता गया। इसी बीच में आइए एक बार स्वागत कर देते हैं विकास सहाय जी, आईपीएस डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गुजरात। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सहाय साहब। एक बार जोरदार तालियों के साथ विकास सहाय का स्वागत करते हैं। गेम चेंजर के तौर पर गुजरात में आप भी जाने जाते हैं और आज का ये मंच गेम चेंजर्स को समर्पित है। वेलकम यू अगेन सर। एक और इम्पोर्टेंट समीर दानी जी, क्योंकि आप अपनी उपलब्धियों का जिक्र बार बार नहीं कर रहे हैं, फिर आप मुझसे कहेंगे कि मैं कहाँ से ये सारी जानकारी लेकर आ रही हूँ, लेकिन ये ब्लड मैन टू ज़रा मुझे बताइए पहले ये है क्या, और दूसरा आप एक और बहुत अच्छा काम करते हैं, आप ज़रूरतमंद असहाय लड़कियों की शादी भी करवाते हैं, ये आपकी तरफ से भी एक काम रहता है। हाँ। जी जी, पहले तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लड मैन कहाँ से आए। ब्लड मैन बेसिकली मुझे नाम दिया गया जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने दिया। ब्लड मैन क्यों नाम दिया गया, मैं पिछले करीबन 25 सालों से ब्लड डोनेशन कैंप लगाता हूँ और हर कैंप में मतलब एक लंबी क्यू होती है कि सुबह 8 बजे हम लोग स्टार्ट करते हैं और रात के 12-1-2 बजे तक भी कैंप चलता है। उसमें कम से कम 2,000 से 2,500 लोग एक बार में डोनेट करते हैं। इस बार 6 जुलाई जो अभी गया है रिसेंट, इस बार हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। थोड़ा सा दिल्ली में गर्मी था, मर्सिडीज की बसेज को हमने कस्टमाइज कराया ब्लड डोनर्स के लिए और एक बार में 200 डोनर डोनेट कर सकते थे। कैन यू इमेजिन, सुबह 8 बजे 300 लोग लाइन में थे ब्लड डोनेट करने के लिए। अदरवाइज लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेशन या ब्लड के बारे में जैसी बात होती है तो एक अजीब सी घबराहट होने लगती है लोगों को। तो जो इस बार हमारा कैंप रहा वो हाईएस्ट ब्लड डोनर रहे जो हमारे भारत देश को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना, भारत देश को इस मौके पर यहाँ तक ले जाना, ये मेरे लिए तो प्राउड है ही। उस दिन मेरा जन्म दिवस भी था और मैंने उस दिन को राष्ट्र के नाम समर्पित किया था। पहले एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बाद हमने लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ा, उसका गिनीज बुक। उनके लाइव जजेज आते हैं वहां देखने के लिए, ऐसा नहीं होता कि वहां से कोई सर्टिफिकेट इश्यू कर देते, नो, वो लोग खुद लाइव जजेज होते हैं, वो एक एक एक्टिविटी को नोट करते हैं, एक एक प्रोटोकॉल मेंटेन होता है वहां। उसके अलावा बेसिकली लोग ब्लड डोनेशन कैंप तो बहुत लगाते हैं, मेरा बिल्कुल काम करने का तरीका डिफरेंट है। हम लोग पैन इंडिया किसी को भी ब्लड की जरूरत होती है यदि, हम लोग उनको विदाउट डोनर और विदाउट एनी चार्ज पूरे पैन इंडिया में ब्लड प्रोवाइड कराते हैं। हम लोगों ने न जाने मतलब हजारों ब्लड जितने भी बैंक्स हैं उनसे टाई अप किया, उनसे टाई अप करके जहां भी इंडिया में जरूरत होती है लोग हमें कॉल करते हैं, हम वहीं पर उनको ब्लड प्रोवाइड कराते हैं और साथ साथ कोई डोनर की भी जरूरत नहीं होती है। इसलिए प्रेसिडेंट साहिबा ने मुझे बेसिकली ब्लड मैन का नाम दिया। जी सर। दूसरा, निर्धन कन्याओं के बारे में आपने पूछा। निर्धन कन्याओं का हम लोग पिछले 15-20 साल से मैरिज कराते आ रहे हैं, लेकिन अब हमारी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। अब तक मैं 300 निर्धन कन्याओं की शादी करा चुका हूँ और जिसमें हम लोग सारा सामान देते हैं उनको। इसके लिए तालियां होनी चाहिए, सराहनीय है समाज के लिए ये। और पहल आप सरप्राइज होंगे, 13 फरवरी को दिल्ली में हम लोग इंडिया गेट पर 1323 कन्याओं की एक साथ मैरिज करने जा रहे हैं। दैट वुड बी द वर्ल्ड रिकॉर्ड अगेन। और उसमें हम लोग सारा सामान देते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा। और इस बार हम लोगों ने जो इंटीरियर वाले एरिया हैं जैसे झारखंड है, जहां यू विल नेवर नो, असम, झारखंड, मुझे वहां की अभी टीम आई हुई थी तो उन लोगों ने बताया उनके यहाँ शादी नहीं होती है, थर्ड जनरेशन तक वो लोग विदाउट मैरिज चल रहे हैं जी। क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो हम लोगों ने दिल्ली में तो इतनी रिसोर्सेज ऑलरेडी रहती हैं, तो हम लोग पैन इंडिया से लोगों को ले रहे हैं और पैन इंडिया से लेकर उनको जॉब भी प्रोवाइड कराएंगे इस बार हम।
तो एक नया सा इनिशिएशन है, आज तक करते आ रहे थे, उसको बहुत बड़े लेवल पे करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको लेके, इसीलिए गेम चेंजर्स के मंच पर आपकी मौजूदगी है, आपकी मौजूदगी है। टाइम सबका मुझे इशारा हो चुका है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर समीर दानी, आपका डॉक्टर बसंत गोयल, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ इस चर्चा को फिलहाल विराम देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच आप दोनों का इस मंच पर आने के लिए। तो भारत 24 के इस मंच से आप तमाम गेम चेंजर्स को लगातार सुन रहे हैं, आप उन लोगों को सुन रहे हैं जो कि बढ़ते भारत, बढ़ते गुजरात में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, विकसित भारत, विकसित गुजरात, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तमाम राज्यों की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम बात करते हैं बढ़ते गुजरात, उभरते गुजरात के लिए, और आप सभी ने गुजरात मॉडल के बारे में सुना होगा, गुजरात मॉडल जिसकी चर्चा हमेशा होती है, अब वो गुजरात मॉडल क्या है? दरअसल वो एक विकास का पैमाना है, और अगर कोई भी राज्य इस तरीके से आगे बढ़ता है तो बहुत ज़रूरी है कि वो सुरक्षित रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है कि वो राज्य और वहाँ के रहने वाले लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें, और वो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं श्री विकास सहाय, आईपीएस डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गुजरात। एक बार जोरदार तालियां, और इस क्लिप के जरिए हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं। मूल रूप से बिहार से ताल्लुक रखने वाले विकास सहाय की गिनती ईमानदार और आज्ञाकारी अफसरों में होती है। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना में अहम रोल निभाने वाले विकास सहाय के पिछले एक दशक से एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक क्रियाकलापों में वो सक्रिय रहे, और इसी साल विकास सहाय के नेतृत्व में गुजरात पुलिस को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फॉर 1930 साइबर हेल्पलाइन का अवार्ड मिला है देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। तो एक बार जोरदार तालियां गुजरात के डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री विकास सहाय के लिए। और आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं डीजीपी साहब को मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी, और स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी भारत 24 के सीपीओ और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर मनोज जिज्ञासी जी से, प्लीज आप मंच पर आए स्वागत के लिए। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरीके से विकास सहाय के नेतृत्व में गुजरात पुलिस लगातार कार्य कर रही है, चुस्त दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर। और मुझे लगता है कि जब हम गुजरात की बात करते हैं, हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो इसमें बड़ी भूमिका है बतौर डीजीपी की, विकास सहाय की। एक बार जोरदार तालियां, और इस सत्र का नाम है न्याय सत्कर्म सेवा ही धर्म, और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे सीबीओ और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर मनोज जिज्ञासी। सो ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच प्रिया, और आज बड़ा इंटरेस्टिंग डे है, क्योंकि आज से एक साल पहले ही मैंने विकास सहाय जी के साथ गेम चेंजर का एक एपिसोड भी शूट किया था। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमें समय दिया उनकी जर्नी के बारे में जानने के लिए। आज फिर से हम उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं, और आज अपनी बड़ी बिजी डे होने के बावजूद भी उन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद सर। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालों सिलसिलों में आगे बढ़ूं, उससे पहले मैंने आज एक कविता पढ़ रहा था, किसी आईपीएस ऑफिसर के द्वारा लिखी है, मैं 2-3 लाइनें इसकी बोल देता हूं, बहुत एक समा बांधने में मदद होगी। दिन हूं रात हूं सांझ वाली बात हूं, दिन हूं रात हूं सांझ वाली बात हूं, मैं खाकी हूं आंधी में तूफान में होली में रमजान में, देश के सम्मान में अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं, मैं खाकी हूं। तो ये इससे ब्यूटीफुल अच्छी लाइनें नहीं हो सकती हैं। और यहां पे गुजरात का बैठा हुआ हर शख्स, हर गुजराती एक बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल जब मैंने गेम चेंजर के एपिसोड में विकास जी से पूछा, मुझे आज एक सवाल याद आया, मैं इनसे सवाल पूछूं फिर से। मैंने पूछा था कि सर एक बात बताइए कि गुजरात में रात में 2 बजे महिलाएं 2 किलो सोना पहन के जाती हैं, कोई डर नहीं होता, नवरात्रि के त्यौहार आते हैं या बहुत नॉर्मल दिनों में भी आप देखें तो, और कोई पुलिस वाला अधिकारी होता, स्टेट का हेड होता, तो कहता कि हमारा पुलिसिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर ताली बजाएं इस ईमानदारी भरे आंसर जो उन्होंने मुझे दिया था। तो सर मैं आपसे सीधा सवाल पूछते हुए शुरुआत करना चाहता हूँ कि ये जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जो हो रहे हैं आज के डेट में गुजरात में,
तो गुजरात पुलिस इस चीज को किस तरीके से काम कर रही है? क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे कि अभी कुछ दिनों पहले आपने 10,500 लोगों को, टीचर्स को सम्मान किया। ये जो आउटरीच प्रोग्राम है, आप कैसे बताना चाहते हैं कि पुलिस गुजरात वालों की दोस्त है, आपके लिए पुलिस खड़ी है, इसके बारे में आप बताएं कम्युनिटी आउटरीच जो आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं भारत 24 का और मनोज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज इस मंच से मुझे कुछ बात करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स या कम्युनिटी पॉलिसिंग जिसको हम कहते हैं, इसका मूड जो है, जेनेसिस जो है, वो एक सोच है और ये सोच मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। सोच ये है कि पुलिस तंत्र की जो भी कामगिरी है, हम जो भी काम करते हैं वो हम समाज के हित के लिए करते हैं। अभी गुजरात राज्य की सुरक्षा और सलामती की बात हुई तो हम जिनके लिए काम करते हैं उनके साथ हमारा संबंध और संकलन जो है वो अच्छा रहे, बना रहे, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम कम्युनिटी तक पहुंचे और हमारा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हो। पिछले 2 साल में हमारे हर पुलिस, हमारे वहां करीब 650 पुलिस स्टेशन हैं और हर पुलिस स्टेशन में एक शी टीम है जो महिला सुरक्षा के लिए खास काम करती है। पिछले 2 सालों में रक्षाबंधन के दिन हमारी शी टीम की जो महिला पुलिस कर्मी थी, ये लोग अपने अपने विस्तार के जितने सीनियर सिटीजन्स थे वो सब सीनियर सिटीजन्स के पास गई, उनसे मुलाकात की, उनको राखी बांधी और अगर उनके पास कोई ऐसा विषय है जो हमारे ध्यान पर लाने जैसा है तो उसकी चर्चा हुई। इस बार हमने टीचर्स डे में करीब 10,000 गुजरात राज्य के अलग अलग टीचर्स को, हमारे शी टीम्स गए थे, उनसे जाके मिले थे हमने, टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड। ये सब सिंबलिक भी है, हम एक मैसेज समाज को देना चाहते हैं कि गुजरात पुलिस जो है वो इस बात को स्वीकार करती है कि हमारी जो भी कामगिरी है वो आपके हित के लिए है और हम आपके हित के लिए ही काम करते हैं। मैं अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को बार बार ये बात बोलता हूँ कि हम लोग तो, हम लोग का सैलरी तो आप जो टैक्स देते हैं उसके पैसे से आता है, यू आर पेइंग आवर सैलरी। और ये जो आईपीएस देखते हैं, आईपीएस का जो एस है, सर्विस, सेवा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक सेवा भाव से गुजरात पुलिस काम करे समाज के लिए, उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हम लोग कम्युनिटी आउटरीच का करते हैं। कुछ दिन पहले हमने शुरू किया एक तरण बात तमारी, मतलब तीन बातें आपकी, तीन बात आपकी, तीन बात मेरी। गुजरात राज्य के सब पुलिस स्टेशन, सब चौकी और सब आउटपोस्ट में 2 महीने में कम से कम एक बार लोगों के पास जाते हैं और उनके 3 जो मुख्य प्रश्न हैं, ये प्रश्न स्थानिक होंगे, मूल जो उनके 3 प्रश्न हैं वो 3 प्रश्न जान के उसका हल निकालने का हम प्रयत्न करते हैं। और उसी मीटिंग में हम समाज से जो अपेक्षा रखते हैं उसकी बात हम करते हैं। तो 3 बात हमारी और 3 बात आपकी, ऐसा हमने प्रोग्राम चलाया है। पिछले 1 साल से प्रोग्राम चल रहा है और उससे स्थानिक लेवल पे जो मुश्किलें होती हैं, लोगों की अपेक्षाएं जो होती हैं, उन अपेक्षा को ध्यान में रख के स्थानिक पुलिस काम करती है। बिल्कुल सही बोला सर, जैसे गुजरात पुलिस का मोटो ही है सेवा, सुरक्षा और शांति।
तो ये आपने बहुत अच्छे समझाया। मैं आपके साथ में एक सवाल और भी पूछना चाहता हूँ कि आज की डेट में आप कहीं भी जाएं, कुछ भी बात करें, टेक्नोलॉजी की बातें बहुत होती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप बात करें, किसी 10 साल के बच्चे से भी बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी की बात पहले करता है वो। तो गुजरात पुलिस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या काम कर रही है? और साथ में अभी जो दाहोद में घटना हुई कि ड्रोन से देखा गया कि कुछ जो टेम्पल में कुछ चोरी करके भाग रहे थे लोग, उनको पकड़ लिया आपने, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ये न्यूज़ में भी रही। तो ये मैं समझना चाहूँगा टेक्नोलॉजी का कैसा हुआ। उससे पहले हमारे बीच में इसरो के चीफ एन एम देसाई जी आए, उनके लिए भी मैं चाहूँगा ताली बजाएं आप लोग। स्वागत है आपका देसाई जी। थैंक यू सर, आप उसमें प्लीज़ बताएं टेक्नोलॉजी का कैसे आप। गुजरात पुलिस अपने काम करने की पूरी जो कार्यशैली जो है उसमें टेक्नोलॉजी का महत्तम उपयोग हम लोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो कि एनी ऑर्गेनाइजेशन, बीट ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बीट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो टेक्नोलॉजी को साथ लेके अगर आगे नहीं बढ़ता है देन ही विल नॉट बी एबल टू डिलीवर एज पर द एक्सपेक्टेशंस। और समाज से बहुत ज़्यादा अपेक्षा है गुजरात पुलिस को, और उन अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग कर रहे हैं। आप लोग सीसीटीवी कैमरास के बारे में जानते हैं, आज हमारे यहाँ करीब 8000 सीसीटीवी कैमरास सिर्फ गुजरात पुलिस के हैं जो हमको मिलते हैं। उसके अलावा दूसरे एजेंसीज के जो कैमरास हैं उनसे हमको होता है। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग सिर्फ क्राइम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, हम लोग क्राइम प्रिवेंट भी कर पाते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है, विश्वास प्रोजेक्ट है। विश्वास प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग हर ज़िले में, हर कमिश्नरेट में कैमरास लगाते हैं। एंड वी हैव द स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम्स जहाँ सब कैमरास का फीड आता है और उस फीड्स के थ्रू लाइव मॉनिटरिंग होता है। तो लाइव मॉनिटरिंग के थ्रू हम क्राइम्स प्रिवेंट भी करते हैं और हम क्राइम्स डिटेक्ट भी करते हैं। जैसा कि आपने अभी दाहोद की बात की, दाहोद में तो एक्चुअली वी यूज्ड ए नाइट विजन कैमरा इक्विप्ड ड्रोन्स। उसमें हुआ क्या था कि रात को दाहोद के एक गांव में एक मंदिर में चोरी हुई। मंदिर में चोरी हुई, चोरी होने के बाद पुजारी को मालूम चला कि चोरी हुई है, उन्होंने जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहां पहुंची, मालूम चला कि चोर किस तरफ भागे हैं। इमीडिएटली कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया गया, कंट्रोल रूम से ड्रोन्स मंगाया गया और ड्रोन से रात को ही थर्मल इमेजिंग भी उसमें कैपेबिलिटीज थी, थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन डिवाइस के थ्रू हमने रातों रात लाइव हमने उन चोर को जंगलों से के बीच से पकड़ा। ये जितने भी देख रहे हैं लोग उनको डर के रहने की बात है कि गुजरात पुलिस के पास ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है। मैं इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी अभी हाल में ही दिल्ली में आपने खुद से रिसीव किया है अवार्ड, माननीय होम मिनिस्टर के द्वारा 1930 को जो अवार्ड मिला है साइबर क्राइम के लेके। तो मैं इससे पहले तो ये चाहूँगा कि जितने भी यहाँ गुजराती बैठे हैं और जो देख रहे हैं मुझे, इस पर तो ताली जरूर बनती है क्योंकि आपकी स्टेट को अवार्ड मिला है और ये अवार्ड बहुत मानकों के द्वारा मिलता है, उसके बाद मिलता है। जहाँ तक साइबर क्राइम की बात आती है सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि साइबर क्राइम को लेके जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही हैं, तो आप एक तो पहली बात, आपको जो अवार्ड मिला ऑब्वियसली इसका प्रारूप है कि यहाँ के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब भी कुछ हो साइबर रिलेटेड सबसे पहले आप कंप्लेंट करें। बट साथ साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो इवॉल्व हो रहे हैं साइबर क्राइम, तो नागरिकों को किस तरीके से और अच्छे से सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, क्या डूज एंड डोंट्स है, आप एक आध दो अगर राज्य के मुखिया पुलिस का हमें बता के जाए तो बहुत मदद मिलेगी सर। नहीं, आपने एक ये अच्छा विषय आज उठाया है यहाँ और मैं दो तीन उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि साइबर क्राइम का विक्टिम, वो विक्टिम तभी बनता है जब वो भूल चूक से कोई गलती कर देता है, अपना जो अलर्टनेस का लेवल जो है वो नीचे चला जाता है, कुछ गलती कर देता है, ओनली देन ही बिकम्स ए विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम, बी इट साइबर मॉनिटरी फ्रॉड और एनी अदर काइंड ऑफ फ्रॉड। और इसलिए हम लोग गुजरात में
पूरे देश में, खाली गुजरात में नहीं पूरे देश में, लेकिन हम लोग यहाँ पे खास साइबर क्राइम के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा करते हैं, बिकॉज वी सिंसियरली बिलीव कि अगर लोग अवेयर हो जाएं, जो अलर्टनेस लेवल की जरूरत है वो अलर्टनेस लेवल अगर लोगों में आ जाए तो साइबर क्राइम पे हम बहुत आराम से अंकुश पा सकते हैं। तरह तरह के मोडालिटीज होते हैं साइबर क्राइम का, आपने OTP दे दिया, गलत लिंक पे आपने क्लिक कर दिया, कोई वीडियो कॉल आ गया वो आपने उठा लिया, उस पे आपसे कुछ गलतियाँ हो गई, तो गलती अगर होगी तो ही यू विल बिकम ए विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि हम साइबर स्पेस में जब भी हैं, हम जब भी साइबर स्पेस में हैं तो हमारा एंटीना जो है वो एकदम अलर्ट होना चाहिए। देर आर इंस्टेंसेस वेयर सीनियर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम, और ये लोग बहुत चलाक होते हैं। अलग अलग गैंग्स होती हैं इनकी, अलग अलग गैंग्स अलग अलग ढंग से साइबर फ्रॉड करते हैं। कोई OTP का फ्रॉड करता है, कोई ओलेक्स का फ्रॉड करता है, कोई शेयर बैंकिंग का फ्रॉड करता है, कोई न्यूड कॉल्स का फ्रॉड करता है, अलग अलग तरह के उनके अलग अलग गैंग्स हैं। बट ये सब चीज में एक चीज तो कॉमन है कि जो विक्टिम बना है उस विक्टिम ने किसी भी कारण से कोई एक छोटी गलती तो उसने की है। अगर आप गलती नहीं करोगे देन यू आर इंश्योर्ड दैट यू विल नॉट बी अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। आपने ये 1930 का बात किया, 1930 शायद आप जरूर जानते होंगे दैट अगर किसी को भी साइबर फ्रॉड का विक्टिम कोई बन जाता है इमीडिएटली देर इज ए हेल्पलाइन नंबर, इज ए नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 एक ऐसा हेल्पलाइन है जो कनेक्टेड है विथ ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ऑल बैंक्स। आज किसी एक व्यक्ति के साइबर फ्रॉड होने के कारण उसके अकाउंट से अगर 50 लाख रुपया निकलता है, वो 50 लाख रुपया उसके बैंक से निकला, किसी दूसरे बैंक में गया, फिर तीसरे बैंक में गया, फिर चौथे बैंक में गया, L1, L2, L3, L4, L5, L12, वो आपसे 50 लाख रुपया लेके अलग अलग बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिफोर यू कैन स्टॉप दैट। वो पहले करें, उसके पहले आप अगर 1930 पे डिटेल्स दे दें अपने अकाउंट का, कितना पैसा गया है, इमीडिएटली आपके अकाउंट से जो पैसा विड्रॉ हुआ वो किस बैंक में गया वो बैंक वाले को मालूम है, क्योंकि बैंक वाला भी उसी प्लेटफॉर्म पे है। ही कैन इमीडिएटली स्टॉप द पेमेंट, ही कैन इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो हम लोग उस पर भी बहुत काम करते हैं, और पैसा जब हम लोग विदहोल्ड कर लेते हैं, ओनली लास्ट 13th को वी रिटर्न अबाउट 44 crore rupees बैक टू द पीपल ऑफ गुजरात। ये बहुत बड़ी बात है, मैं चाहता हूँ आप इसके लिए ताली बजाएं। और जैसे घड़ी की टिक टिक दिखा रही है टाइम साहब, मैं विकास जी से प्रॉमिस लेते हुए कि हम एक गेम चेंजर और करेंगे इनके साथ और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच विकास जी, आपने समय दिया हमें अपनी व्यस्तताओं के बावजूद भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ताली एक बार जरूर बनती है इनके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना महत्वपूर्ण वक्त भारत 24 को दिया, थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस, इसी तरीके से गुजरात आगे बढ़ते रहे, सुरक्षित रहे, यही कामना करते हुए अब आगे हम बढ़ते हैं। और स्मृति चिन्ह के लिए मैं अनुरोध करूंगी भारत 24 के CBO मनोज जिज्ञासी जी से कि वो DGP साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और क्योंकि आज बात हो रही है गेम चेंजर्स की, तो ऐसे कई गेम चेंजर्स हैं जिनसे लगातार हम आपको मिलवा रहे हैं। और जब बात होती है कि भारत आज चांद पर पहुंच गया है, तो उसके लिए आपके जहन में भी इसरो का नाम आएगा। और एक और गेम चेंजर जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले हम कुछ आपको झलक दिखा देते हैं, श्री नीलेश एन देसाई, डायरेक्टर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SSC इसरो, एक बार जोरदार तालियां। और साथ ही साथ एक क्लिप के माध्यम से इनके बारे में आपको बताते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत और समर्पण से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और एक झलक अब उसकी मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगी, कैन वी हैव द AV प्लीज। नीलेश एन देसाई जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशल एप्लीकेशन सेंटर
के डायरेक्टर और विशिष्ट वैज्ञानिक हैं। गुजरात के नवसारी में 1 अप्रैल 1964 को जन्मे नीलेश एम देसाई ने 1985 में एलडी और कम्युनिकेशन में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उनका योगदान बेहद बहुमूल्य। अपने 35 साल के करियर में एम नीलेश एम देसाई ने रिसैट 1, ओशियन सैट 2, चंद्रयान 2 और अन्य प्रमुख प्रोजेक्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में एसएससी में भारतीय नेविगेशन और संचार तकनीकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई है। नीलेश एम देसाई न केवल तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी है बल्कि उन्होंने युवा वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए भी कई आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया है। तो एक बार जोरदार तालियां श्री नीलेश एन देसाई के लिए। सर, मैं आपको मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज कम ऑन स्टेज। डायरेक्टर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, एक बार जोरदार तालियां नीलेश एन देसाई जी के लिए। और इस सत्र के संचालन के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगी मेरे वरिष्ठ सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा को। और क्योंकि हमारी जो थीम है वो बढ़ता भारत उभरता भारत है, तो ऐसे में आपके जहन में जो सवाल होंगे वो यहाँ पर पूछे जाएंगे नीलेश एन देसाई जी से, इसरो को लेकर के भी, और इसको आगे बढ़ाएंगे पूर्णिमा मिश्रा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रिया। और हो सकता है कि आपको कई बार ऐसा लगे कि आपसे बार बार कहा जाता है, लेकिन जब इस मंच पर गेम चेंजर्स मौजूद हों तो आपकी तालियां उन गेम चेंजर्स को और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और इसीलिए आप सभी की इन तालियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि प्रिया मेरी सहयोगी ने सर का इंट्रोडक्शन दिया है, नीलेश एम देसाई जी हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं जो कि अपने आप में गेम चेंजर हैं। और एक और बड़ा गेम चेंजर देसाई साहब, इसरो बार बार बनकर उभर रहा है। आजकल इसरो की चर्चा हर जगह होती है और उसमें आप एसएससी के डायरेक्टर हैं जिसे हम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इसरो की उपलब्धियां चुनौतियां क्या हैं, आगे हम ग्लोबली अपने आप को कैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में खड़ा करने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एसएससी की भूमिका आखिर होती क्या है इसरो में। सर, माइक। गुड इवनिंग। At the outset, let me thank the organizers for calling me here and giving this opportunity. So, NASA ke bare mein to sabhi log jante hain. Hindi is okay or English, Gujarati? Sir, jisme aap comfortable ho, preferably Hindi. English? Hindi, sir. Hindi, okay. So, jaisa ki maine bataya, NASA ke bare mein sabhi jante hain. Chota bachcha bhi. ISRO ke bare mein abhi log janne lage hain, especially Chandrayaan 3 ke baad. बट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर, उसके बारे में अभी भी कम लोग ही जानते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर क्या है, तो जैसा कि उसका नाम बता रहा है कि एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस, तो वी कैरी आउट एप्लीकेशन ऑफ स्पेस। बट उसके लिए एप्लीकेशन करने के लिए पहले तो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी, विच इज़ टू बी पुट इन स्पेस। तो इंस्ट्रूमेंट या पेलोड या सेंसर, उसकी डिज़ाइन डेवलपमेंट भी यहाँ होता है। तो एक तरह से आप सब ने देखा होगा कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, सबको काफ़ी खुशी होती है और उत्तेजना होती है। तो वो तो सहज है, बट रॉकेट तो 15 मिनट ही काम करता है, जो सेटेलाइट को ऊपर रख देता है। सेटेलाइट इज़ वन लाइक अ प्लेटफॉर्म, लाइक योर कार और व्हीकल, जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो कार्य करते हैं। और जो रियल में कार्य करता है वो इंस्ट्रूमेंट या सेंसर या पेलोड, वो हम बनाते हैं यहाँ पे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। जो एक बार सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद 1 साल 5 साल 3 साल से लेके 10 साल 15 साल तक सैटेलाइट काम करते हैं। तो जो काम कर रहा है उसमें जो एलिमेंट, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे शरीर का ब्रेन या हार्ट होता है वो ये पेलोड है, जिसकी रचना हम यहाँ पे करते हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। और उसके बाद जो कार्य करता है उसका जो उपयोग करना है हमको एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस भी हम करते हैं उसके, पायलट प्रोजेक्ट करके देन वी हैंड इट ओवर टू द एक्चुअल यूजर्स। तो एक तो ब्रेन या तो हार्ट ऑफ द सैटेलाइट, दैट आल्सो वी मेक, और उसके साथ साथ जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है उपयोग उसका, वो भी हम करते हैं। तो इस तरह से इस सेंटर का महत्व बहुत ही अधिक है पूरे इसरो ऑर्गेनाइजेशन में। एक यूनिक प्रकार का सेंटर है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। एंड इफ़ यू सी हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स कॉम्पोजिशन आप देखो, तो वी हैव ऑल टाइप ऑफ पीपल वर्किंग विथ अस। तो एक तरह से हम, वी आर मोर लाइक ए एकेडमिक इंस्टीट्यूट और अ यूनिवर्सिटी रादर देन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये इसकी विशेषता है। तो जैसा कि मैंने बताया,
हार्डवेयर डेवलपमेंट एज वेल एज द सॉफ्टवेयर पार्ट विच इज द एप्लीकेशन. और एप्लीकेशन करने से पहले उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, डेटा प्रोसेसिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड फाइनली ब्रिंगिंग इट टू द लेवल वेयर पीपल विल अंडरस्टैंड दैट एंड यूज इट फॉर वेरियस एप्लीकेशन. तो ये सब कार्य यहाँ पे होते हैं. जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे मिशन्स हैं जिनको लेकर इसरो, फिर नासा के साथ हमारा कोलैबोरेशन, खासतौर से चंद्रयान 3 के समय हमने देखा. लेकिन कहते हैं कि आपको अपने काम को करने में बहुत मज़ा आता है तब जब आपके लिए भी उसमें कुछ एक्साइटिंग हो. आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, आपका अनुभव बहुत बड़ा है. आपको क्या सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है इसरो में, और ख़ासतौर से जिस विंग को आप देख रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया, जो सारा भाई ने विज़न दिया था, इंसिडेंटली इसरो की स्थापना अहमदाबाद से ही हुई थी. ये कई लोगों को ये भी ध्यान से बाहर चला जाता है कि द होल विज़न और द आउटलुक फॉर द इंडिया स्पेस प्रोग्राम ओरिजिनेटेड फ्रॉम अहमदाबाद. तो इस तरह से भी हमारा महत्व ज़्यादा है. और जैसा कि आपने पूछा कि चंद्रयान 3 तो बहुत ही मशहूर है और इट इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए, इसरो के लिए और सब हम साइंटिस्टों के लिए भी, और हम सब हमारे भारतवासियों के लिए कि इसने पूरे दुनिया में हमारा नाम रोशन किया. बट ये जो एक्टिविटी है प्लैनेटरी मिशन या प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन विच इज़ वेरी एक्साइटिंग, और छोटे से छोटा बच्चा और आजकल तो हर एक सामान्य आदमी भी ये सुन के उसकी बहुत ही उस उत्तेजना होती है. तो दैट इज़ ओनली 20-25% ऑफ एक्टिविटी जो हम करते हैं, इसरो जो कर रहा है. तो चंद्रयान हो या मंगलयान हो या अभी हम करने जा रहे हैं गगनयान जिसमें वी आर गोइंग टू पुट मैन इन स्पेस, तो ये सब एक्टिविटी दीज आर ओनली 20-25% ऑफ एक्टिविटी जो इसरो कर रहा है. जो रेस्ट 75-80% एक्टिविटी है वो जो सारा भाई ने विज़न दिया था कि वी वॉन्ट टू यूज स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन एंड सोसाइटी, सामान्य आदमी और समाज के लिए उसका उपयोग कैसे हो स्पेस का, अंतरिक्ष का, तो उसके लिए हम कार्यरत हैं. और उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, आप एक जगह से दूसरी जगह बातचीत कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. और आजकल जिस तरह से हम मोबाइल का उपयोग हो रहा है, और फ्यूचर में आपका स्मार्टफोन विल गेट कन्वर्टेड इंटू ऑटोमेटिकली अ सैटेलाइट फ़ोन. तो जब भी आपको बहुत ही दिक्कत होती है, जब हमको नेटवर्क कवरेज नहीं मिलता, गिफ्ट सिटी में मैं अंदर आ रहा था तभी मेरा नेटवर्क कवरेज चला गया जी. तो बहुत ही दिक्कत होती है आदमी को, तो वो अब दूर की बात होगी जब ऑटोमेटिकली आपका स्मार्टफोन गेट्स कन्वर्टेड इंटू ए सैटेलाइट फ़ोन, क्योंकि सैटेलाइट तो सब जगह अवेलेबल है. तो ये सब बातें हम जो कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसी तरह नेविगेशन, 90% कार्य जो आप दिन में सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले करते हैं, दैट इज़ गवर्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और कंट्रोल बाय नेविगेशन सिस्टम. और नेविगेशन मीन्स GPS, एवरीबडी नोज GPS इज़ द ऑल परवेसिव टेक्नोलॉजी. तो दैट इज़ द जो हमारा लाइफ इटसेल्फ इज़ गेटिंग कंट्रोल बाय GPS. इट इज़ लाइक एंड इट इज़ ए अमेरिकन सिस्टम, सो इट्स एज इफ वी आर गवर्न बाय समबडी एल्स. उसके बदले अब अभी हमारा भारतीय सिस्टम आने वाला है, तो नेविगेशन इज अंदर पार्ट वेयर वी आर वर्किंग ऑन. उसी तरह से रिमोट सेंसिंग, जैसा कि साहब ने बताया कि किस तरह से ड्रोन से उन्होंने दाहोद में जो कार्य किया जी. तो उसी तरह सेटेलाइट से हम इसी प्रकार के रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं, कैमरा के द्वारा, रडार्स के द्वारा, नाइट विजन, और कभी कहीं भी ऑल वेदर कंडीशन में डे एंड नाइट वी कैन डू इमेजिंग ऑफ एवरीथिंग एंड स्पेशली टेकिंग केयर ऑफ आवर सर्विलेंस रिक्वायरमेंट इन बॉर्डर एरियाज, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इज इज़ नॉर्दर्न बॉर्डर और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर. तो ये सब कार्य भी सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है, आपको पता नहीं लगा, बट यू आर कॉन्स्टेंटली बींग अंडर सर्विलेंस बाई समथिंग. और ये खासकर आदमी का सर्विलेंस हम नहीं करते हैं, हम तो हमारे बॉर्डर एरियाज और लैंड का, जिससे कि हम सुरक्षित रह पाए. तो पुलिस का काम जिस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी है, उसी तरह एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जो हमारे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक नीड्स है, उसके लिए सैटेलाइट कार्य रहते. तो ये सब कार्य जो हम कर रहे हैं, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ एक्टिविटी जो इसरो कर रहा है, जो इतनी लोगों को ध्यान में नहीं आती है, बट दैट इज आवर मेजर एक्टिविटी. और ये करने में हमको काफी मजा आता है. ऑफकोर्स चंद्रयान मंगलयान ये मिशन से जो एक्साइटमेंट जनरेट होता है, और जब आदमी हमारा एक भारतीय स्पेस में जाएगा जिसकी सब लोग उत्सुकतापूर्वक राह देख रहे हैं विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो वो भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती है और बड़ी उपलब्धि होगी जब भी हम ये करेंगे. उसी तरह आपने अभी 2 दिन पहले ही न्यूज़पेपर और सब जगह पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट विच आर वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट,
कई टेक्नोलॉजी हमको हासिल भी करनी है, जैसे कि हमको अभी भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, जैसा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहाँ अभी सुनीता विलियम्स जी वहाँ फंसी हुई है, आप सबको पता ही होगा, तो वो भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, तो उसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है, लगभग 20,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, उसका फर्स्ट मॉड्यूल ही अभी तो हम बनाएंगे और 2035 तक पूरा अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, विच विल बी यूज एज ए ट्रांजिट पॉइंट और एज इट लाइक ए गेस्ट हाउस फॉर गोइंग टू मून, मैन ऑन मून जो एम्बिशन मोदी साहब ने हमको दिया है कि 2040 तक भारतीय को चांद पे पहुंचाना है, तो उसके लिए भी अभी कार्य शुरू हो चुका है, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से एक्टिविटी चल रही है। एक हमारा एक बड़ा काफ़ी शक्तिशाली रॉकेट बनाना है, जो आज का हमारे रॉकेट का एक लिमिटेशन है कि इट कैन टेक ओनली अप टू 4 टन ऑफ वेट इन टू द स्पेस पेलोड, तो उसको 4 टन से आगे बढ़ा के 20 टन तक ले जाना है, तो ये सब चुनौतियाँ करने के लिए गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी गिवन नाउ अप्रूवल्स, सो उसका बजट हमको क्योंकि आपने देसाई साहब गवर्नमेंट की बात की, मैं खास तौर से प्रधानमंत्री जी का जिक्र करती हूँ क्योंकि उनकी तो जन्मभूमि में इस वक्त हम मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी हमेशा हर चीज में उनका एक इंटरेस्ट नजर आता है, खासतौर से मुझे याद है क्योंकि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग लैंडिंग सब कुछ कवर करने का मुझे पर्सनली मौका मिला, ऐसे में मैंने देखा कि उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, हर चीज को वो देखते हैं, हर चीज को वो समझते हैं और वो ये भी जानते हैं कि आने वाले वक्त में वैश्विक स्तर में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को मजबूती कैसे देनी है, उनका ये पर्सनल इंटरेस्ट इसरो की महत्वाकांक्षाओं को कितना पंख देता है। आपने सही फरमाया और ये उनकी जो रुचि है अंतरिक्ष में और खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर एक सब्जेक्ट में वो काफ़ी रुचि लेते हैं और इसका पहला अनुभव हमको तब हुआ जबकि कई लोगों को पता नहीं होगा कि चंद्रयान 1 की जब सफलता हुई थी उसके बाद हम काफ़ी उसका जश्न मना रहे थे क्योंकि इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू पुट एन ऑर्बिटर और अ सेटेलाइट अराउंड मून एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, बाकी कोई भी कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका सक्सेस नहीं गया था पहली बार, ऑफकोर्स उन्होंने काफ़ी पहले ये प्रोग्राम शुरू किया था, हम बाद में गए थे, तो उस तरह से हमको दूसरों के अनुभव से सीखने को मिला था, बट उसके बाद जो सफलता मिली कि इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू पुट ए सेटेलाइट अराउंड मून चंद्रयान 1 के द्वारा, तो उसके बाद जो उत्सव मनाया गया था उस समय मोदी साहब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने हम सब साइंटिस्टों को इन्वाइट किया था साइंस सिटी में तब और उनको शाम को डिनर पे बुलाया था सब लोगों को, तो उस वो जेस्चर से काफ़ी हमारे साइंटिस्ट हम सब लोग काफ़ी प्रभावित हो चुके, तो इससे पता लगता है कि उनकी रुचि साइंस से टेक्नोलॉजी और खासकर अंतरिक्ष में पहले से ही रही है और प्रधानमंत्री बनने के बाद तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी हमारे इतने लगभग 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ही अप्रूव्ड इट विद इन कैबिनेट मीटिंग विद इन नो टाइम, हमारे चेयरमैन साहब को बुलाया प्रेजेंटेशन देने के लिए और वो समझने के बाद तुरंत कैबिनेट अप्रूव्ड दैट, तो उसी तरह से पिछले कई सालों से ये जो मैंने बताया कम्युनिकेशन प्रोग्राम या नेविगेशन प्रोग्राम वो सबका अप्रूवल उन्होंने बहुत ही फास्ट दिया और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और एटमिक एनर्जी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे जो भी टेक्निकल प्रपोजल है उस पर निर्णय जल्दी से आ जाए, अदरवाइज आप सबको अनुभव होगा ही ब्यूरोक्रेसी का, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी बट उसका अपना एक प्रोसेस होता है जिसमें जिससे पसार होना इतना इजी नहीं होता क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ स्क्रूटिनी, ऑफ कोर्स आवर प्रपोजल्स आर आल्सो ग्रेट स्क्रूटिनाइज्ड बट प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधा अटैच होने से थोड़ा फायदा तो जरूर मिलता है। एब्सोल्युटली, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसे बदलाव बहुत आया है, हम अपने कई बार कार्यक्रमों में जिक्र करते हैं तो हम वो तस्वीरें दिखाते हैं कि जब रॉकेट को बैलगाड़ी से लेकर जाते थे, फिर धीमे धीमे हम साइकिल पर आए, फिर उसके बाद हमने जिस तरीके से प्रगति की, जाहिर बात है कि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में और खासतौर पर जब हम एक मजबूत इकोनॉमी बनने की बात करते हैं, स्पेस का आप उसमें कितना बड़ा योगदान देखते हैं जब हम अर्थव्यवस्था के लिहाज से और दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी हमने बहुत कम की है, पहले हमें कोई सैटेलाइट पहुंचाना होता था तो हमें दूसरे देशों पर निर्भरता रहती थी, लेकिन अब इसका उलट हो चुका है, अब दूसरे देश हमसे कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सस्ते में कर देते हैं, कम पैसे लगते हैं तो आप ही पहुंचा दीजिए। तो आपने सही फरमाया कि स्पेस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फ्रंटियर और आप सबने सुना होगा कि हमारे आर्मी नेवी और एयरफोर्स है, उसी तरह यूएस में तो ऑलरेडी वो बन चुका है एज ए फिफ्थ फोर्स, हमारे यहाँ स्पेस इज गोइंग टू बी द फोर्थ फोर्स, सो स्पेस फोर्स जैसा एयरफोर्स है उसी तरह स्पेस फोर्स इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट अचीवमेंट फॉर इंडियन स्ट्रेटेजिक फोर्सेज, तो ऑलरेडी उसकी शुरुआत हो चुकी है
और जैसा कि आपने सही बताया कि आगे की जो वॉर होगी वो तो स्पेस में ही होने वाली है. पहले स्टार वॉर्स का नाम हम सुन चुके हैं, कैसे एक दूसरे के सैटेलाइट भी डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे या हो पाएंगे, बट स्पेस का ये तो अदर यूज हुआ, स्ट्रेटेजिक यूज या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. बस स्पेस के जो पीसफुल यूजेज है उसके लिए यूएन ओसा, आपने नाम सुना होगा, यूएन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, तो उसमें तो पीसफुल यूज करना ही उसका मूल उद्देश्य है, तो उसके लिए भी हम कार्यरत है. तो इस तरह से स्पेस हमारी लाइफ का अंतर्गत पार्ट बनने बन गया ही है और बनने और भी बनने जा रहा है. बिल्कुल इसी तरीके से हमारा इसरो, हमारा स्पेस क्रांति आगे बढ़ती रहे. हम सब आपके साथ हैं. एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नीलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. गेम चेंजर के मंच पर सर आप मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आने के लिए. और क्योंकि आज भारत 24 बात कर रहा है गेम चेंजर्स की, और अब से कुछ क्षणों में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हमारे बीच में होंगे. बस कुछ लम्हे का इंतज़ार और, क्योंकि जब हम गुजरात की बात कर रहे हैं, जब हम देश के डायमंड हब की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से प्रदेश आगे बढ़ रहा है. प्रदेश के मुखिया अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ भारत 24 के इस मंच पर होंगे. लेकिन आज गेम चेंजर्स के जरिए हमने आपको उन लोगों से मिलवाने की कोशिश की है जो कि लगातार बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, और भारत 24 जो कि लगातार आगे बढ़ रहा है. हमारे बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल इस वक्त मौजूद है. एक बार जोरदार तालियां. सरल स्वभाव और मिलनसार प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं. राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है. प्यार से लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को दादा कहते हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ में मक्कम यानी कि अडिग और मृत्युभाषी सीएम कहते हैं. तो एक बार जोरदार तालियों के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का स्वागत कीजिए. मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत के लिए, और भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र, भारत 24 के सीपीओ मनोज जिज्ञासी, साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर कृष्ण किशोर गोयल, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, डायरेक्टर कैथ लैब, मिस्टर सोहिल पटेल को फाउंडर एंड सीटीओ ओजन इंस्टीट्यूट, मिस्टर अभिषेक आचार्य को फाउंडर ठेका कॉफी, मिस्टर सुलय लाफसी फाउंडर एंड सीईओ बमर, मिस्टर जतिन चौधरी को फाउंडर ई चाय वेंचर. मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए, और साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर मानव गोहिल, इंडियन एक्टर. एक बार जोरदार तालियां. माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं, और स्वागत के लिए मिस मानसी पारेख, इंडियन एक्ट्रेस, सिंगर एंड प्रोड्यूसर. मैं आपको भी मंच पर इन्वाइट करना चाहूंगी. भूपेंद्र भाई पटेल, इंजीनियर, बिल्डर, पार्षद से लेकर सीएम तक का सफर आपने तय किया. राजनीति के अजात शत्रु के तौर पर आपकी पहचान है. हमेशा लोगों के बीच आपको माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे. कभी भी आम लोगों की समस्या के निष्पादन के लिए हमेशा हर जगह डटे रहेंगे, और यही कारण है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मक्कम यानी कि अडिग और मृत्युभाषी सीएम. ये मंच माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत करता है. तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब गुजरात मॉडल की हम बात कर रहे हैं तो भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात लगातार आगे बढ़ रहा है, गुजरात लगातार आगे तरक्की कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश इसी तरीके से विकास की नई गाथा लिखे. और अब आगे बढ़ते हुए दीप प्रज्वलन के लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय मंच से, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी ज्वाइन करने के लिए नीलेश एन देसाई, डायरेक्टर इसरो, डॉक्टर बसंत गोयल, फिलैंथ्रोपिस्ट महंत दिलीप देसाई महाराज, मुख्य पुजारी जगन्नाथ टेम्पल, श्री ललित किशोर शंजी महाराज, मानव गोहिल, मानसी पारिक. मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आएं दीप प्रज्वलन के लिए, क्योंकि हर शुभ कार्य से पहले बहुत ज़रूरी है कि ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाए. तो हम सब आगे बढ़कर दीप प्रज्वलन करके ईश्वर का आशीर्वाद लें.
आप सभी से अनुरोध करूंगी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब क्योंकि हम आज गुजरात की पावन धरा पर मौजूद हैं, वो धरा जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और जो एक संदेश भी देता है, तो आज हमारे बीच क्योंकि खुद माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत 24 की बात होती है तो हमारी तो टैगलाइन है विजन ऑफ न्यू इंडिया, और भारत 24 लगातार बीते 2 साल से आम जनता की आवाज़ बन रहा है। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए हम आपके बीच आते हैं। ऐसे ही भारत 24 का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है द जेसी शो, जिसमें भारत 24 के CEO एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र हर एक मुद्दे पर सटीक विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उनकी भविष्यवाणी सच साबित होती है। देश की राजनीति, देश के हर विषय पर डॉक्टर जगदीश चंद्र, जो कि इस कार्यक्रम के जरिए आम जनता को हर एक खबर के अंदर की खबर बताते हैं, उनकी भविष्यवाणी किस तरीके से हकीकत में तब्दील हुई है, अब उसकी एक झलक ऑडियो विजुअल क्लिप के जरिए। आखिर कैसे सच हुई द जेसी शो की भविष्यवाणियां? ट्रेंडी है ना 30 सीटों के साथ में, लगभग 30-35 सीट, तो मोदी अगेन द प्राइम मिनिस्टर। जनता दल यूनाइटेड श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। जो लोग मन में अगर आकांक्षा लेके बैठे हैं विपक्ष के या कांग्रेस के या TMC के किसी के, कि 250 से मोदी नहीं आएगा, तो भूल कर रहे हैं। टुडे इंडिया इज हैविंग राइट लीडर राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी। होम में अगर अमित शाह नहीं है तो फिर NDA नहीं है। अमित शाह विल अगेन रूल होम मिनिस्ट्री फॉर अदर 5 years। गृह मंत्री अमित शाह को नजर आ रहे हैं, अपना कार्य उनके द्वारा आज संभाल लिया गया। मैं कैमरा पे इस अखबार को दिखाता हूँ, इसमें लिखा है BJP 303 enabled। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मेरे ख्याल से 7, 8, 9 तक उनकी शपथ हो जानी चाहिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सारी संभावनाओं का जो सारांश है, विद और विदाउट मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी, मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। किरोड़ी लाल इज ए मिस्ट्री एट द मोमेंट, तो आप तो प्रैक्टिकली मानो वो इस्तीफा वो दे चुके हैं, और नहीं दिया है तो खाली फोन आ गया होगा मत करना इस्तीफा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्तीफा हुआ है तो वापिस हो जाएगा या फिर होगा नहीं, और किरोड़ी लाल का प्रॉपर रिहेबिलिटेशन थोड़ा सा डिपार्टमेंट्स वगैरह का जो है जिम्मेदारी का वो हो जाएगा। भाई मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। जनता के बीच में वचन दे दिया था कि मैं ईस्टर्न राजस्थान की सीटें हार गया तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, तो मैंने वो छोड़ दिया है, और इस्तीफे की कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी है, और उन्होंने जो कुछ बातें की हैं वो उन्होंने फिर मेरे को 10 दिन बाद बुलाया है। एक छोटी सी बात को लेके कितना फर्क पड़ने वाला है इससे, इंडेक्स को हटाने से, और आपने छेड़ा क्यों उसको, रहने देते 20% उसको, ऐसा प्रयोग कर रहे हो 12.5 पे ले भी आए जिसे कहते हैं, और वहाँ भी कोई उसका यश नहीं मिला, तो बाकी तो क्या है, वी मे एग्री डिसएग्री, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि ये इट वॉज नॉट ए पॉपुलर मूव। सरकार ने सुनी द जेसी शो की आवाज, देश के करोड़ों दर्शकों की आवाज सुन सरकार ने दी राहत, और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहल करके इंडेक्सेशन में किए बड़े बदलाव। करदाताओं को दिए दोनों विकल्प, पहला वो नई योजना के तहत 12.5% के कम टैक्स स्लैब को अपना सकेंगे, इसमें इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा वो पुरानी योजना के तहत इंडेक्सेशन के फायदे के साथ 20% के टैक्स स्लैब को अपना सकेंगे, जिसमें उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा। अमित शाह तो वैसे फौरी तौर पे कहा है कि भी संसद तय करेगी, लेकिन जो राष्ट्र चाहता है संसद वही करेगी जो राष्ट्र चाहता है, जो लोग चाहते हैं 90%, और मेरे ख्याल से 80% तो पॉलिटिकल पार्टी भी चाहती है कि ये हो जाए। कितना चमत्कार हो जाएगा, आप देखिए साल के अंदर आधा साल तो चुनाव में लग जाता है, आचार संहिता के अंदर है, सरकार में सब काम ठप हो जाता है, योजनाएं ठप हो जाती हैं, एक चुनाव होगा तो 5 साल के लिए शांति, सरकार को प्लानिंग करने का, सरकार को एग्जीक्यूट करने का समय मिलेगा, प्लस खर्चा आधा रह जाएगा, आधे से भी कम रह जाएगा, दैट विज है। ये तो बहुत अच्छा प्रयोग है, लोकतांत्रिक प्रयोग है, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि 2029 में निश्चित तौर पर चुनाव जो होंगे वो इसी पैटर्न पे। डॉक्टर जगदीश चंद्रा, अ मैन ऑफ प्रेडिक्शन। तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर जगदीश चंद्रा के लिए, मैन ऑफ प्रेडिक्शन। और आपकी इन तालियों के बीच में भारत 24 के CEO एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी 2 शब्द के लिए। एक बार जोरदार तालियां, और
डॉक्टर जगदीश चंद्र सर के नेतृत्व में भारत 24 लगातार आपकी आवाज बन रहा है। सर कहते हैं कि खबर ही जिंदगी है, और सर मैं आपसे दो शब्द के लिए अनुरोध करूंगा। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिस कमिश्नर साहब, आमंत्रित महानुभाव, आप सभी का इस गेम चेंजर कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को 3 वर्ष पूरे करने के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। और न जाने कितने साल में और आता रहूँगा, हर वर्षगांठ पर कहता रहूँगा कि आज ये 6वीं वर्षगांठ है, 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है, क्योंकि आपने गुजरात को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी है प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में। प्रधानमंत्री जी दिशा तय करते हैं, रोड मैप तय करते हैं गुजरात का, एग्जीक्यूशन का काम आपके कंधों पे, एंड एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा कि गिफ्ट सिटी, एक नया गुजरात नहीं, एक नया भारत बना रहे हैं आप यहाँ पर। मैंने 75 देशों की यात्रा की, और आज मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सिंगापुर से, ऐसे सियोल से गुजर रहा हूँ, अहमदाबाद से नहीं गुजर रहा, तो अद्भुत। और शहर में भी चलते हैं, जब चलते हैं ताज से एयरपोर्ट से और गांधीनगर आते हैं तो इतनी शानदार सड़कें, इतनी खुली सड़कें, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं, एक काल्पनिक भारत, एक काल्पनिक गुजरात। लोकतंत्र में होता नहीं है ना ऐसा दबाव की राजनीति, ये नहीं हटेगा, वो नहीं हटेगा। एनी हाउ कमिंग टू द पॉइंट इज कि लोग तो आम आदमी कहने के लिए कहते हैं, आप सचमुच में कॉमन मैन, आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं गुजरात में। और जिस राजनीतिक स्थायित्व की बात मैं कर रहा था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, उसमें नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और आपके एग्जीक्यूशन में आपने कितना बड़ा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया, 26 में से 25 सीटें ला करके, और इसका एहसास खुद नरेंद्र भाई को उस दिन हुआ होगा जब किसी ने डिक्टोरियल आवाज़ में कहा कि 20 सीटें कम आती तो लोग कहाँ होते हैं। तो आपकी 20 सीटें आज 240 के बराबर हैं, कीमती हैं। और मैं सोचता हूं कि अगर चुनाव आयोग आपको 50 सीटें देता और आप 48 ले आते तो न तो नीतीश जी की ज़रूरत थी, ना नायडू साहब की ज़रूरत थी। अपना भारत, अपना गुजरात। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भाजपा अभी भी जो काम कर रही है वो 240 नहीं, 303 मान के ही कर रही है। और यही सबसे बड़ा आत्मविश्वास है, संबल है, जो क्लैरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है। अब आज रात प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं विदेश, फिर कुछ नया करके लाएंगे वहाँ से। रही बात गुजरात की, अभी मुख्यमंत्री जी से मैं अनौपचारिक चर्चा कर रहा था, क्यों इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि समेटा नहीं जा रहा देश में। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोई आदमी अगर राजनीतिक भेदभाव छोड़ के, पॉलिटिकल प्रेजुडिस छोड़ के अगर आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसके लिए स्वर्णिम अवसर है नरेंद्र मोदी का शासन गुजरात में, आपका शासन। इसका लाभ लोग उठा रहे हैं, गुजरात आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि इस छोटे से समय में, और ख़ास करके इस साल आपने 11 महत्वपूर्ण फैसले किए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, आप देखिए, एक गुजरात में आने वाला FDI शायद $2.5 करोड़ का है, पूरे देश का FDI एक तरफ, गुजरात का FDI एक तरफ, 29 राज्यों के वाइब्रेंट समिट एक तरफ, गुजरात का ग्लोबल समिट एक तरफ जो है। और एक्चुअली वाइब्रेंट गुजरात की कल्चर ही आप लोगों ने रखी, नरेंद्र भाई ने रखी, गुजरात के लीडरशिप ने रखी, और अब सारा देश इसको फॉलो करता है, आप देखिए।
और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सेमीकंडक्टर, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या है सेमीकंडक्टर, क्यों 24 घंटे प्रधानमंत्री दिल के करीब रखते हैं इसको, जहाँ भी जाते हैं आते हैं। और आपका ही मैंने देखा अभी तो सेमीकंडक्टर में हब बनेगा गुजरात अहमदाबाद, आपका जो है रेन्यूएबल एनर्जी में हब बनेगा यहाँ का जो है। जी में कितना अच्छा काम हुआ, G20 में 17 इवेंट आपने कर दिए। सबसे बड़ी बात यह है मुख्यमंत्री जी आपकी कार्यशैली की कि सब काम होता रहता है ऑटो मोड पे, कोई हल्ला नहीं, कोई शोर नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल चल रहा है। और इसी ऑटो मोड के चलते मैंने कहा था कि तीसरी वर्षगांठ है, हो सकता है 10वीं वर्षगांठ मनाने भी शायद मैं रहूँगा, तब तक तो आना पड़े मुझे अहमदाबाद जो है। और आप देखिए कितने अच्छे अच्छे दूसरे काम आपने किए। अब जो योजना है प्रधानमंत्री अन्न योजना, देखिए 4 करोड़ का टारगेट आपने इस साल रख दिया, 3,82,00,000 लोगों को इसमें कवर करेंगे। किसानों का आपने नया कंसेप्ट लिया है, उसमें गवर्नर साहब का भी योगदान है आचार्य जी का, कि नेचुरल ऑर्गेनिक खेती जो है 53,00,000 किसानों को आपने उसमें कवर कर दिया और कवर करते जा रहे हैं। आपने 14,00,000 मकान बना दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में। ये आंकड़े केवल एक संकेत देने के लिए हैं। मेट्रो अब आप ला रहे हैं सूरत में, यहाँ पे सूरत में आपने वो ज्वेलरी का जो है इतना बड़ा वो जो है सब बना दिया जो है। तो मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि आप दफ्तर में फाइलें कम निपटाते होंगे, कितने उद्घाटन आप करते चले जा रहे हैं तो समय कैसे निकलता होगा। और अभी आपने कहा मैं तो चलता रहता हूँ, जाता रहता हूँ और सब काम जो है होता रहता है इन वे जो है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की कृपा है गुजरात पे, जिसे कहना चाहिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व मिला, अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व मिला, उसे लागू करने के लिए आप जैसे मुख्यमंत्री मिले और बिल्कुल कंप्लीट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ गुजरात आगे बढ़ रहा है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, जनता का आशीर्वाद और विश्वास इसी तरह आपके साथ रहे और हम इसी तरह हर साल आके वर्षगांठ का उत्सव मनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी आपको सुनने के इच्छुक हैं, लेकिन आपकी आज्ञा लेकर के हमारी टीम ने एक ऑडियो विजुअल क्लिप बनाई है, किस तरीके से आप गुजरात के विकास की गाथा लिख रहे हैं, एक बार उसकी एक झलक अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। दमदार 3 साल बेमिसाल भूपेंद्र सरकार, तेमना त्रीजा कार्यकाल में भारत विश्व की त्रीजी सौथी मोटी आर्थिक ताकत बनवा तरफ आगळ वधी रह्यु छे। गुजरात में विकास की बहार, नई नीतियों से बढ़ा व्यापार। गुजरात के विकास में 3 साल पहले एक नए अध्याय का आरंभ हुआ था। 13 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात की कमान संभाली थी। हूँ भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल नामे सौगंध लऊं छूं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार ने पिछले 3 सालों में अभूतपूर्व काम किया है। 3 सालों में गुजरात में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में अचूक परिवर्तन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकास यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली से सीखते हुए औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्र में आज गुजरात एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। इन 3 वर्षों में भूपेंद्र पटेल ने 11 नई पॉलिसीज डिक्लेयर की हैं। गुजरात आत्मनिर्भर पॉलिसी, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, न्यू गुजरात IT पॉलिसी, गुजरात स्पोर्ट्स पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसी, गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी, गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी, स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, गुजरात परचेज पॉलिसी, गुजरात ग्रीन हाइड्रोकार्बन पॉलिसी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पिछले 3 सालों से गुजरात को सनशाइन सेक्टर्स जैसे सेमीकंडक्टर हब और रिन्यूएबल एनर्जी हब बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई प्रोग्रेसिव कदम उठाए गए हैं, खास तौर पर कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, और उसके परिणाम भी मिल रहे हैं। आज गुजरात के खिलाड़ियों ने खेलकूद क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। गुजरात में आज बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन हो रहा है और खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन की विशेष अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गत 2 वर्ष में ही
36वें राष्ट्रीय खेल तथा 19वीं नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट का गुजरात में सफल आयोजन किया गया। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने अच्छी कमाई अच्छी जिंदगी के मंत्र पर आधारित विकसित गुजरात एट 2047 का रोड मैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात में कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। पहली बार गुजरात में गिफ्ट सिटी में फिल्मफेयर पुरस्कारों की मेजबानी की गई। कच्छ के धोडो को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ओर से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। गुजरात की गौरव सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक गरबा को यूनेस्को के द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। प्रतिष्ठित अटल फुट ओवर ब्रिज साबरमती नदी पर बनाया गया है। सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया गया जिससे गुजरात दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय केंद्र बन गया है। अहमदाबाद सूरत गांधीनगर वडोदरा में 30 गगनचुंबी इमारतों के विकास को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में 2023 में जिस प्रकार से जीरो कैजुअल्टी के साथ बिपरजॉय चक्रवात को हैंडल किया गया है वो अपने आप में एक मिसाल है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात देश का सबसे सुरक्षित राज्य बना हुआ है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में स्पीडी जस्टिस की व्यवस्था कराने में गुजरात सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस साल 31 अगस्त तक ही 267 अपराधियों को सजा हो चुकी है। पिछले 3 सालों में ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम के तहत अब तक 9680 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए हैं। साइबर क्राइम का शिकार बनने वाले मध्यम वर्गीय लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए गुजरात पुलिस की टीम दिन रात एक कर केवल 20 दिनों में 2,58,000 से अधिक बैंक खातों को अनफ्रिज किया। अब तक कुल 2,17,000 बैंक खाते अनफ्रिज किए गए। पोक्सो के अंतर्गत आपराधिक मामलों में 10 दिनों की अवधि में कार्यवाही कर और 21 दिनों में फांसी की सजा तक पहुंचाकर देश में त्वरित कार्रवाई का उदाहरण पेश किया गया। गुजरात पुलिस ने साइबर अपराध से बचाव के लिए कई सफल कदम उठाए हैं। गुजरात पुलिस को 1930 साइबर हेल्पलाइन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार भी मिला है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा डीजीपी गुजरात को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुजरात की जनता की सेवा के 3 वर्षों में भूपेंद्र पटेल तथा उनकी टीम गुजरात ने सभी क्षेत्रों में तेज विकास को अद्भुत गति दी है। तो एक बार जोरदार तालियां गुजरात के विकास की नई इबारत लिखने वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के लिए। और इन्हीं तालियों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी 2 शब्द के लिए। हम सभी आपको सुनना चाहेंगे जिस तरीके से आप गुजरात के विकास में लगातार किस तरीके से प्रदेश को लीड कर रहे हैं, किस तरीके से आप नेतृत्व कर रहे हैं और किस तरीके से आप प्रदेश को बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत 24 न्यूज चैनल द्वारा आयोजित गेम चेंजर्स गुजरात एडिशन एवॉर्ड वितरण समारंभ में अपनी सौनी साथे उपस्थित भारत 24 ग्रुपना सीईओ श्री डॉक्टर जगदीश चंद्राजी, पूज्य महामंडलेश्वर श्री दिलीपदास जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री ललित किशोरदास जी महाराज, सीबीओ श्री मनोज जिज्ञासी, मेयर श्रीमती मीराबेन पटेल, राज्यना पोलिसना वड़ा श्री विकास सहाय, ईसरोना डायरेक्टर श्री नीलेश भाई देसाई, सौ एवॉर्ड विजेताओं, आमंत्रित महानुभाव सौ ने मारा नमस्कार। आजनु शीर्षक बढ़ता गुजरात उभरता भारत। न्यूज चैनल आवा कार्यक्रम सोशियली करे ये आपड़ा माटे खूब आनंद नी बात छे। अने 2 वर्ष ज्यारे शुरुआत करी तारे पण हूँ आयो तो ये वखते के भाई तमे आओ तो एटले शुरुआत ना ज ज्यारे चैनल अहींया शुरुआत करी गुजराती ए वखते अने 2 वर्ष में ज
જે હેડિંગ માર્યું છે ગેમ ચેન્જર, એ ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ છે. ન્યૂઝ ચેનલ એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ગુજરાતની વિકાસ યાત્રામાં પોતાનું યોગદાન આપનાર 19 જેટલા મહાનુભાવોનું આજે અહીં સન્માન કરવામાં આવવાનું છે અને તમામ મહાનુભાવોને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. સમાજમાં વિવિધ ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપનાર સમાજસેવીઓને સન્માનવાનું પણ એ પણ આ ચેનલ દ્વારા થાય એ પણ અભિનંદનને પાત્ર છે. આ કાર્યક્રમનું નામ મેં હમણાં કીધું એમ ગેમ ચેન્જર, એ મને ખૂબ ગમ્યું છે. ગેમ ચેન્જર એટલે પરિવર્તનનું સૂચક છે. વિશ્વના નેતા અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું નેતૃત્વ ભારત માટે ગેમ ચેન્જર છે. એક સમય હતો કે ભારતને વિશ્વના દેશો ગણતાય નહોતા. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે નરેન્દ્રભાઈના શાસન દાયિત્વ સંભાળ્યું અને ભારત વિશ્વની મહાસત્તાઓમાં સ્થાન મેળવ્યું. આજે નરેન્દ્રભાઈ શું બોલે છે તેના એક એક શબ્દનો વિશ્વના દેશો કાન દઈને સાંભળે છે. ગ્લોબલ સમિટ હોય, COP26 હોય, G20 હોય, કોઈ પણ સમિટ હોય, ભારતનું દરેકમાં આગવું સ્થાન રહ્યું છે. આદરણીય મોદી સાહેબના આવા ગેમ ચેન્જર નેતૃત્વ પર ભરોસો મૂકીને દેશની જનતાએ સતત ત્રીજી વાર તેમને દેશનું સેવા દાયિત્વ સોંપીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દેશને આપેલી અમૃતકાળની પરિકલ્પના અને વિકસિત ભારતના સંકલ્પને દેશવાસીઓ વધાવી લીધા છે અને દેશનો જનજન વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યો છે. આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આ બદલાયેલું નવું ભારત છે. આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ત્રીજા કાર્યકાળના 100 દિવસમાં વિકસિત ભારતનો સંગીન પાયો નખાયો છે. આ 100 દિવસમાં સમાજના દરેક વર્ગને સામેલ કરીને વિકાસ અને ગરીબ કલ્યાણની દિશામાં અનેક નિર્ણયો લેવાયા છે અને યોજનાઓ કાર્યરત કરવામાં આવી છે. આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ 70 વર્ષ અને તેથી વધુ વયના તમામ વરિષ્ઠ નાગરિકોને 5 લાખ રૂપિયા સુધીનું મફત આરોગ્ય કવરેજ આપવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ ગરીબો માટે 3 કરોડ, પહેલાં 4 કરોડ અને બીજા નવા 3 કરોડ આવાસોને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. દેશના યુવાનોને રોજગારીના અવસરો મળે, તેમનું સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ થાય તે માટે ખાસ 2 લાખ કરોડ રૂપિયાનું PM પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. મુદ્રા યોજનાથી સ્વરોજગાર ક્ષેત્રમાં ખૂબ મોટી ક્રાંતિ આવી છે. તેની સફળતાના પગલે મુદ્રા યોજના હેઠળ મળતી સહાય જે 10 લાખ હતી એ વધારીને 20 લાખ કરવામાં આવી છે. આપ સૌ જાણીએ છીએ કે વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં વિકાસની નવી સ્પીડથી અને નવા સ્કેલ પર થઈ રહ્યો છે. 100 દિવસમાં એવી જ સ્પીડ અને સ્કેલ માટે 15 લાખ કરોડ રૂપિયાના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ કાર્યરત થયા છે. આ બધું વડાપ્રધાનશ્રીની વિકાસની ગેરંટીની ઝલક અને તેમના ગેમ ચેન્જર નેતૃત્વનું ઉદાહરણ છે. ગુજરાતને તો સતત 2 દાયકાથી આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના વિઝનરીની નેતૃત્વનો લાભ મળી રહ્યો છે અને આગળ પણ મળતો રહેવાનો છે. તેમણે જ્યારે ગુજરાતનું સેવા દાયિત્વ સંભાળ્યું ત્યારે ગુજરાત અનેક સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલું હતું. આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ નર્મદા યોજના દ્વારા સુજલામ સુફલામ અને સૌની જેવી યોજનાઓ કાર્યરત કરીને છેવાડાના ગામો સુધી પીવાનું અને સિંચાઈનું પાણી પહોંચાડ્યું. તેમણે જ્યોતિર્ગ્રામ યોજનાથી છેક અંતરિયાળ ગામોમાં પણ 24 કલાક 3 ફેઝ વીજળી પહોંચાડીને ગ્રામીણ અર્થતંત્રમાં આમૂલ પરિવર્તન લાવી દીધું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ શરૂ કરાવેલી વાયબ્રન્ટ સમિટ ગુજરાતના ઉદ્યોગ વિકાસ માટે ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ છે. ગુજરાત આજે દેશનું સૌથી વિકસિત રાજ્ય છે અને ફોર્ચ્યુન 500માંથી 100થી વધુ કંપનીઓ ગુજરાતમાં કાર્યરત છે.
ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ અને સ્ટાર્ટઅપ રેન્કિંગમાં પણ ગુજરાત દેશમાં બેસ્ટ પરફોર્મર રહ્યું છે. ઉત્તમ અને ગુણવત્તાયુક્ત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, શ્રેષ્ઠ લોજિસ્ટિક સુવિધાઓ, પોલિસી ડ્રીવન સ્ટેટ તરીકે ગુજરાત 3 વર્ષથી FDI મેળવવામાં પણ દેશમાં સતત અગ્રીમ સ્થાન પર રહ્યું છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતમાં પોલિસી ડ્રીવન પ્રો પીપલ ગુડ ગવર્નન્સનો મજબૂત પાયો નાખ્યો છે. આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાત ઉભરતા ક્ષેત્રોના વિકાસનો વેગ આપી રહ્યું છે. ગુજરાતે IT અને IT પોલિસી, સેમિકન્ડક્ટર પોલિસી, ગુજરાત ગ્રીન હાઇડ્રોજન પોલિસી જેવી સેક્ટર સ્પેસિફિક પોલિસીસ બનાવી છે. ગુજરાત આજે દેશનું એકમાત્ર રાજ્ય છે જ્યાં આવનાર દિવસોમાં 4 સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ કાર્યરત થશે અને દેશની પહેલી મેક ઇન ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર ચિપનું નિર્માણ ગુજરાતમાં થશે. આજે જે પરિસરમાં બેઠા છે તે ગિફ્ટ સિટી દેશના ફિનટેક કેપિટલ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના 2047માં વિકસિત ભારતના નિર્માણના સંકલ્પને સાકાર કરવાની દિશામાં ગુજરાત દેશનું પહેલું રાજ્ય છે જેણે વિકસિત ગુજરાત 2047 રોડમેપ બનાવ્યો છે. ગુજરાત ભારતને વિશ્વની ત્રીજી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનાવવામાં યોગદાન આપવા માટે કટિબદ્ધ છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારત અમૃતકાળમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. આ અમૃતકાળ દેશના વિકાસનો સુવર્ણકાળ છે અને દેશના વિકાસ માટે જનજનનું યોગદાન આવશ્યક છે. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ, સૌના પ્રયાસથી વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે આપ સૌ આવું જ યોગદાન મળતું રહેશે આપના તરફથી એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध करूंगी प्लीज़ आप मंच पर ही रहें, और साथ ही साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी भारत 24 के CEO एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र, भारत 24 के CBO एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र मनोज जिज्ञासी जी से, क्योंकि ये मंच गेम चेंजर्स को सम्मानित कर रहा है, तो अब सम्मान की घड़ी आ चुकी है. और इसके लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी श्री विकास सहाय, IPS डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गुजरात. एक बार जोरदार तालियां. कैटेगरी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. श्री निलेश एन देसाई, डायरेक्टर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC ISRO, एक्सलेंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस. एक बार जोरदार तालियां उन तमाम गेम चेंजर्स के लिए. श्री संजीव चतुर्वेदी, हेड मार्केटिंग डोमेस्टिक, ओनली विमल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्सलेंस इन ब्रांड मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप. एक बार जोरदार तालियां श्री संजीव चतुर्वेदी के लिए. डॉक्टर समीर दानी, CEO अपोलो CVHF हार्ट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन इन हेल्थ केयर सेक्टर. एंड द नेक्स्ट नेम इज मिस्टर जयंत सी नायर, वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस वाइब्रेंट मीडिया, एक्सलेंस इन मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग. एक बार जोरदार तालियां, और जितने भी गेम चेंजर्स हैं तालियां जरूर होनी चाहिए. डॉक्टर बसंत गोयल, ND गोयल मेडिकोस, एक्सलेंस इन फार्मास्यूटिकल्स. द नेक्स्ट नेम इज मिस्टर अमित चौधरी, Founder, Chairman and CEO, Jasper Colin, Excellence in Research and Analysis. Thank you so much. Mr. Amit Chaudhary, Founder, Chairman and CEO, Jasper Colin, Excellence in Research and Analytics.
The next name is Dr. Arpit Chopra Jain, MD Homeopathy Critical and Surgical Disease Specialist, Founder Arogya Super Speciality Modern Homeopathic Clinic, Excellence in Modern Homeopathic Medicine and Critical Care. The next name is Mr. Lakhataria Bhavesh, Geography Head, MSME Loan, Gujarat, Piramal Finance. Mr. Nitin Jain, Geography Head, Home Loan, Gujarat, Piramal Finance. Thank you. Mr. Bhigam Chand Baith, Director, Rishika Industries Limited. Mr. Ratan Chand Bothra, Chairman, Rishika Industries Limited. Mr. Arun Mahajan, Director, Rishika Industries Limited. मैं आप तीनों से अनुरोध करूंगी, प्लीज कम ऑन स्टेज. Mr. Bhigam Chand Baith, Director, प्लीज कम ऑन स्टेज. Rishika Industries Limited, प्लीज कम. अहमदाबाद केरलम समाजम, श्रीमती लता पनिकर, श्रीमती माया स्वामीनाथन, श्रीमती शीना मनोज, श्रीमती शुषा श्रीजीत और श्रीमती बेनी वर्गे से एक्सीलेंस इन वुमेन एम्पावरमेंट. एक बार जोरदार तालियां अहमदाबाद केरलम समाजम के लिए. Thank you. Mr. Rajesh Bharadwaj, Chairman, Corporate Affairs and Communications, PD and Wheelchair Cricket, Differently Abled Cricket Council of India, Excellence in the Field of Work. Social work ke liye inhe sammanit kiya ja raha hai, Mr. Rajesh Bharadwaj. Dr. Shivaji Shamrao Dole, Chairman and MD, Venkateshwara Cooperative Power and Agro Processing Limited, Excellence in Leadership and Innovation in Agro Processing and Power Generation. Guruji Sri Arnav. Dr. Smith Patel, Director, Sandhya Organic Chemicals Private Limited, Excellence in Manufacturing of Speciality Chemicals and Agrochemicals. Mr. Behram Rustamji Mehta, MD, Awa Natural Mineral Water, India's largest and most preferred natural mineral water brand, Awa. Mr. Yogesh Bharonia, Director, Atulya Crop Guard, Excellence in Agricultural Inputs. Thank you so much. Dr. Nilesh Naresh Patil, Founder and CEO, Nils Enterprises, Excellence in Live Share Market Training. Thank you. Mr. Santosh Jagtap, Master Franchisee, Sangli, Maharashtra, Nils Enterprises, Best Master Franchisee. Mr. Mayank P. Mithaiwala, Managing Director, Green Design and Engineering Services Private Limited, Excellence in Civil and Environmental Engineering Consultancy.
मिस्टर संपत कुमार वासला वास्तु एडवाइजर एक्सेलेंस इन वास्तु विभूषण, एंड द नेक्स्ट नेम इज मिस्टर राहुल कुमार डारडा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिंटन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एंड द कैटेगरी इज एक्सेलेंस इन हेल्थ केयर सेक्टर। मिस्टर अजय जोशी, मिस्टर अजय जोशी, मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर जयंती गाला को फाउंडर जालानी कलेक्शन एनएक्स एक्सीलेंस इन मोबाइल डिटेल इंडस्ट्री, एक बार जोरदार तालियां मिस्टर जयंती गाला के लिए। डॉक्टर राम सावनी, सावनी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड एक्सीलेंस इन रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स, मिस्टर धवल कुमार दिनेश भाई पटेल सीईओ पीआर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर हिमांशु जांबरे फाउंडर ग्रो डिजिटल एकेडमी, डॉक्टर प्रियम जितेन भट्ट पेरकेयर इंडस्ट्रीज, मिस्टर रमेश खेतान, थैंक यू मिस्टर रमेश खेतान, डॉक्टर जय कृष्णा जी पाठक प्रेसिडेंट एमएस पुनीत यान एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, रोहित आर माहेश्वरी फाउंडर एंड सीईओ सभ्यता डिजाइनर, मिस्टर छिट्टा रंजन शास्त्री, मिस्टर डेविन मियानी ओनर हिटमैन फैशन, डॉक्टर सोहम परमार मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर सीपी कारण डायरेक्टर श्रीनाथ एलिवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर राजू गर्ग राजो इंडिया, डॉक्टर सोहम परमार मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मिस्टर मानव गोहिल इंडियन एक्टर, एक बार जोरदार तालियां मानव के लिए। मिस मानसी पारिख एक्ट्रेस सिंगर एंड प्रोड्यूसर,
राजू गर्ग, रेडियो इंडिया। एंड मिस्टर रोहित आर महेश्वरी, फाउंडर एंड सीईओ, सभ्यता डिजाइनर। थैंक यू सो मच। और अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए अनुरोध करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ क्षण आपको और लूँगी, प्लीज़ आप स्थान ग्रहण करें। और मैं हमारे एडिटर इन चीफ से भी रिक्वेस्ट करूँगी, सब प्लीज़ स्टेज पर स्थान ग्रहण करें। और मैं अनुरोध करूँगी भारत 24 के सीईओ मनोज जिज्ञासी जी से कि वो दो शब्द ज़रूर कहें आज इस खास मौके पर। जय श्री कृष्णा। केम छो बद्दा, કેમ છો બધા? આ સારી વસ્તુ. હવે ગુજરાતમાં છે તો ગુજરાતીમાં વાત કરવાની પ્રયત્ન કરીએ કે સાહેબ પણ આજે સીએમ શ્રી ગુજરાતીમાં વાત કરતા હતા તો સીએમ સાહેબ જોડે મારી વાત થતી હતી કે મારી વાઈફ પણ ગુજરાતની છે, વડોદરાની છે. તો સાહેબ કહેતા હતા કે તમે ગુજરાતી કેમ બોલો સારી. સો આજ કે મુખ્ય અતિથિ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, हमारे चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी, राज्य के डीजीपी श्री विकास राय जी, इसरो के चीफ श्री देसाई जी और यहाँ पे आए हुए सारे महानुभाव, आज आई थिंक हम सब ने गुजरात के बारे में डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने हम सब ने बहुत सारी बातें करी हैं। बट मैं सिर्फ आप लोगों को जो मेरी बात अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हो रही थी मैं वही आपको बताना चाहूँगा। मैंने इनको बताया सर कुछ दिनों पहले, क्योंकि मैं गुजरात में भी रहता हूँ, 3 दिन में गुजरात में लगाता हूँ हफ्ते में। मैं एक बार चाय की टेपरी में गया था चाय पीने अभी। तो मैं अगर कहते हैं कि अगर आपको पॉलिटिक्स समझनी है तो आप सबसे बढ़िया है कि चाय की केटली पर चले जाओ, कहीं की भी पॉलिटिक्स समझनी है। तो वहाँ पर मैंने देखा दो लोग बात कर रहे थे, उसमें से एक ने कहा कि मैं आज काका से मिलने जा रहा हूँ, मेरा अपना कुछ कंप्लेंट लेके या कुछ भी दरख्वास्त लेके। तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछा कौन कागा, तो बोले मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ। तो आई थिंक दैट्स द कनेक्ट दैट यू होल्ड विद पीपल। ये कनेक्ट मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि भारत 24 हम जगह जगह जाके लोगों से बात करते हैं, इस तरीके के प्रोग्राम करते हैं, बट जो कनेक्ट आपका है, आप सिंपल हैं, आपको देख के लोग, मैंने बार बार कहा है बात कि आप जैसे पैंट शर्ट में बाजू से निकल जाए तो पता नहीं चलेगा कि ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बट यही कनेक्ट है आपका सर, जो आपको यूनिक बनाता है लोगों से। जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी गेम चेंजर्स के बारे में, गेम चेंजर्स विद एमजे जो शो मैं खुद भी होस्ट करता हूं, जिसके 1 साल हुए हैं, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है। इससे पहले आज पैनल में हम डिस्कस कर रहे थे डीजीपी साहब के साथ, ये बात मैंने उनके गेम चेंजर्स एक शो में पूछी थी उनसे बात, जो मैं आपको बताना चाहूँगा आज सर आपकी अनुमति से, कि मैंने इनसे पूछा कि रात में 2 बजे महिलाएं 2 किलो सोना पहन के निकल जाती है बिना डरे, इसका कारण क्या है गुजरात में? तो डीजीपी ने, अगर और किसी राज्य का पुलिस का अधिकारी होता है या मुखिया होता है, वो कहता कि पुलिस बहुत अच्छी है यहाँ की, उन्होंने जवाब दिया ऑन रिकॉर्ड कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये साधुवाद के पात्र आप भी हैं सर, कि इस तरीके का जो सिस्टम आपने बनाया है लोगों में, जो ऑनेस्टी आपने दी है, ये बहुत बेहतरीन है। और रहा सवाल आपके 3 साल का, डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने बहुत बातें करी हैं उसमें, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हमें गुजरात के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में।
पर आज से 7 दिन पहले हमें हमारा मुख्यमंत्री मिला था। मैं हमारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी गुजरात में रह रहा हूँ, तो आप भी हमारे हुए सर आज से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं और ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा, बट एक ही चीज़ मैं कहूँगा, हालांकि मेरे पास बहुत कुछ लिखा हुआ था बात करने के लिए यहाँ पे, बट आपके जैसा सरल स्वभाव, आपके जैसा सरल मिलनसार व्यक्ति और राज्य का मुख्यमंत्री, जो लोग जिसको अपना मुख्यमंत्री कहते हैं, तो मैं इसी अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपका धन्यवाद फिर से ज्ञापित करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए अनुरोध करूंगी भारत 24 के CEO एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र, भारत 24 के CBO मनोज जिज्ञासी जी। मैं पूर्णिमा मिश्रा से भी अनुरोध करूंगी, प्लीज ज्वाइन द। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ग्रुप फोटो के लिए मैं बुलाना चाहूँगी अहमदाबाद केरला समाजम कला दीपम, जिन्होंने एक बहुत शानदार प्रस्तुति दी। एक बार जल्दी से टीम स्टेज पर। एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने शानदार प्रस्तुति दी, शानदार स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और सरल स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व जिसके लिए आप जाने जाते हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। आज आपने तमाम बातों का जिक्र किया, कैसे प्रदेश आगे बढ़ रहा है निरंतर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। और एक बार जोरदार तालियां इस खास कार्यक्रम के लिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी प्लीज अपनी सीट पर बैठे ही रहिए, क्योंकि अभी और सत्र है जो कि होने हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी छोटी सी, क्योंकि सब लोग सेल्फी लेना चाहते हैं, तो मुझे पता है कि आपके मन में भी इच्छा होगी। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हुए हमारे अगले सत्र की तरफ। लेकिन उससे पहले आपने सुना आज इस मंच से उन तमाम लोगों को जो कि अलग अलग फील्ड में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, जो कि अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सेक्टर्स में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आज ये मंच आपको उनसे भी मिलवा रहा है। जब तक हम अपने सत्र को शुरू करें, उससे पहले मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगी, कैन वी हैव सम AVs, अगर हम कुछ AV प्ले कर पाएँ तो इस कार्यक्रम के बारे में, गेम चेंजर्स 2024 के बारे में। हैव अ लुक गाइस। आखिर कैसे सच हुई द JC शो की भविष्यवाणियां? ट्रेंडी है ना 30 सीटों के साथ में, लगभग 30-35। तो मोदी अगेन द प्राइम मिनिस्टर, जनता दल यूनाइटेड श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। जो लोग मन में अगर आकांक्षा लेके बैठे हैं विपक्ष के या कांग्रेस के या TMC के किसी के, कि 250 से मोदी नहीं आएगा, तो भूल कर रहे हैं। टुडे इंडिया इज हैविंग राइट लीडर राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी। होम में अगर अमित शाह नहीं है तो फिर NDA नहीं, अमित शाह विल अगेन रूल होम मिनिस्ट्री फॉर अदर 5 ईयर्स। गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, अपना कार्य उनके द्वारा आज संभाल लिया गया। मैं कैमरा पे इस अखबार को दिखाता हूँ, इसमें लिखा है BJP 303 enabled। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मेरे ख्याल से 7, 8, 9 तक उनकी शपथ हो जानी चाहिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सारी संभावनाओं का जो सारांश है, विद और विदाउट मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी, मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। किरोड़ी लाल इज ए मिस्ट्री एट द मोमेंट, तो आप तो प्रैक्टिकली मानो वो इस्तीफा वो दे चुके हैं, और नहीं दिया है तो खाली फोन आ गया होगा मत करना इस्तीफा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्तीफा
हुआ है तो वापिस हो जाएगा या फिर होगा नहीं, और किरोड़ी लाल का प्रॉपर रिहेबिलिटेशन थोड़ा सा डिपार्टमेंट्स वगैरह का जो है जिम्मेदारी का वो हो जाएगा। भाई मैं तो ऐसा मानता हूँ, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। जनता के बीच में वचन दे दिया था कि मैं ईस्टर्न राजस्थान की सीटें हार गया तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, तो मैंने वो छोड़ दिया है और इस्तीफे की कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी है, और उन्होंने जो कुछ बातें की हैं वो उन्होंने फिर मेरे को 10 दिन बाद बुलाया है। एक छोटी सी बात को लेके कितना फर्क पड़ने वाला है इससे, इंडेक्स को हटाने से, और आपने छेड़ा ही क्यों उसको, रहने देते 20% उसको, ऐसा प्रयोग कर रहे हो 12.5 पे ले भी आए जिसे कहते हैं, और वहाँ भी कोई उसका यश नहीं मिला, तो बाकी तो क्या है, वी मे एग्री डिसएग्री, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि ये इट वॉज नॉट ए पॉपुलर मूव। सरकार ने सुनी द जेसी शो की आवाज, देश के करोड़ों दर्शकों की आवाज सुन सरकार ने दी राहत, और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहल करके इंडेक्सेशन में किए बड़े बदलाव, करदाताओं को दिए दोनों विकल्प, पहला वो नई योजना के तहत 12.5% की। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग सीट पे बैठ जाइए, मुझे पता आप सबको सेल्फी लेनी है पर प्लीज आप बाद में ले लीजिएगा, अभी कार्यक्रम चल रहा है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है स्टेज के सामने से प्लीज हट जाएं, प्लीज टेक बैक योर सीट, जिसमें उन्हें टीम प्लीज टेक बैक योर सीट। फौरी तौर पे कहा है कि वे संसद तय करेगी, मानव और मानसी कहीं नहीं जा रहे, अभी वो यहीं पे है, हमारे साथ ही है, प्लीज टेक बैक योर सीट गाइस, मेरे ख्याल से 80% अभी कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग प्लीज अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाए, अपने स्थान को ग्रहण कर लें, चुनाव में लग जाता है, टीम प्लीज इंश्योर, सरकार में सब काम ठप हो जाता है, योजनाएं ठप हो जाती हैं, एक चुनाव होगा तो 5 साल के लिए शांति, सरकार को प्लानिंग करने का, सरकार को एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज टेक बैक योर सीट गाइस, कम रह जाएगा, दैट इज, ये तो बहुत अच्छा प्रयोग है, लोकतांत्रिक प्रयोग है, और मैं इसी आशा करता हूँ कि 2029 में निश्चित तौर पर चुनाव जो होंगे वो इसी पैटर्न पे। डॉक्टर जगदीश चंद्रा, A man of prediction. And now, आगे बढ़ते हुए भारत 24 को भी और मनोज जिज्ञासी जी दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ। बड़ी प्रसन्नता है और आपके इस शो की 1 साल की भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं मनोज जिज्ञासी जी और टीम के हर मेंबर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, तहे दिल से मुबारक देता हूं। गेम चेंजर्स का एक मैं साल आप सब लोगों से मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, और मनोज जी को आप सभी लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देना, प्लीज अपनी अपनी सीट ले लीजिए, उधर आगे की तरफ जहां पर सब लोग खड़े हैं, प्लीज सेल्फी सेशंस लगातार चलते रहेंगे, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग अपनी सीट ले लीजिए, मैम इन द ब्लू साड़ी, मैम प्लीज, द लवली लेडीज प्लीज टेक योर सीट्स प्लीज ऑल ऑफ यू, देयर आर द बैक साइड, पीछे आप लोग जितने खड़े हैं सब लोग प्लीज बैठ जाइए, मैं सर आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, थैंक यू मानव, थैंक यू, प्लीज मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग थोड़ी देर बाद सेल्फी ले लीजिएगा, कार्यक्रम अभी चल रहा है और इसीलिए अच्छा लगेगा आप सब लोग अपनी अपनी जगह और अपना अपना स्थान लेंगे, थैंक यू। कुछ अवॉर्डीज को इस वक्त मैं देख पा रही हूं, आप लोग प्लीज अपनी अपनी सीट ले लीजिए, द थ्री ऑफ यू देयर, टीम प्लीज इंश्योर, जो हमारी टीम के लोग हैं प्लीज काइंडली, हम प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सभी से आप अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि कार्यक्रम लगातार जारी है और अभी मंच पर कुछ लोग जो कि भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र का सम्मान कर रहे हैं, मैं चाहूंगी ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहे और जेसी सर का सम्मान करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन ऑन द स्टेज, मैं जेसी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और साथ ही बाकी सभी लोगों से मंच पर की अपनी अपनी जगह आप सब लोग बैठे आए।
एक अंतिम बार, क्योंकि एक कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, गेम चेंजर्स की ये शाम अभी भी जारी है, आप सब लोग अपनी अपनी जगह ले ले और जरा एक बार जोरदार तालियां क्यों ना हो जाएं, ताकि आगे के कार्यक्रम में हम सब बढ़ सके आप सबके साथ के साथ, आप सबके स्नेह के साथ। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एक और बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो अब हम अपने अगले सत्र की तरफ बढ़ते हैं जिसका थीम है बढ़ता भारत उभरता भारत, और इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी श्री संजीव चतुर्वेदी, हेड मार्केटिंग डोमेस्टिक ओनली विमल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक बार जोरदार तालियां संजीव चतुर्वेदी के लिए। हम आज गेम चेंजर्स की बात कर रहे हैं, तो गेम चेंजर्स वो तमाम लोग हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी तालियों के बीच मैं संजीव चतुर्वेदी जी को इन्वाइट करना चाहूँगी। संजीव जी, क्योंकि जब बात होती है विमल की, विमल ब्रांड की एक अपनी पहचान है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि हाल के वर्षों से, मुझे लगता है कि बचपन से ही मैं सुनते आई हूँ विमल का नाम। विमल ब्रांड की शुरुआत हिंदुस्तान में श्री धीरूभाई अंबानी जी ने की, और आज ये ब्रांड एक तरीके से लोगों की पसंद बन गया है। इस सफ़र के बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? ये धीरूभाई अंबानी का या अंबानी फैमिली का FI से सबसे पहला वेंचर था। रिलायंस टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी होती थी जो इवेंचुअली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी, और 1975 में विमल ब्रांड का को एस्टेब्लिश किया गया। विमल ब्रांड इतना पॉपुलर होता चला गया कि हम जैसे फैशन में एक दूसरे को कॉपी करते हैं, विमल नाम अपने आप में इतना पॉपुलर हो गया कि अलग अलग प्रोडक्ट में विमल नाम से आदमियों ने प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू कर दिए। सो इट हैज़ बिकम अ जेनरिक नेम इन अ वे आई कैन से। टेक्सटाइल में, मेंस वेयर में एक टाइम पे विमल साड़ीज़ के नाम पे, विमल ड्रेस मटेरियल के नाम पे, सो अक्रॉस द फैमिली, अक्रॉस द जेंडर विमल बहुत पॉपुलर हो गया। लेकिन क्योंकि इस सफ़र में जाहिर है कि कंपटीशन तो हर जगह होता है, लेकिन फिर भी इस कंपटीशन के बीच भी लीड करना, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट आप मानते हैं? देखिए, कंपटीशन तो इन अ वे बहुत हेल्दी होता है। जब कंपटीशन होता है तो आप पे ओनस बढ़ जाता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बढ़िया कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन बढ़ने से ब्रांड को और प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि अदरवाइज आपको कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो आप कुछ करेंगे ही नहीं। तो कंपटीशन होना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। क्योंकि आज भारत 24 पर हम गेम चेंजर्स की बात कर रहे हैं, बढ़ते गुजरात की, उभरते गुजरात की। जब बढ़ता गुजरात और उभरता गुजरात हम सुनते हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जिसकी एक अपनी पहचान है समाज के तौर में भी, आगे बढ़ाने को लेकर के भी, इस बढ़ते गुजरात और उभरते गुजरात में आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कैसे देख रहे हैं, उसकी भूमिका आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आप गुजरात के प्रोग्रेस की बात करते हैं और रिलायंस का नाम अगर आदमी नहीं ले तो वो बड़ा मिसमैच हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस हुआ है बड़ा हैंड इन हैंड प्रोग्रेस हुआ है। रिलायंस की जो पहला इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव जो रहा वो अहमदाबाद से रहा, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा, आज आप गुजरात की किसी भी सिटी का नाम ले लीजिए, जामनगर वर्ल्ड मैप पे आ गया अपने आप में, वो सिटी इतनी पॉपुलर हो गई कि इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में हो गई, जामनगर सब जगह पॉपुलर हो गया। तो अहमदाबाद से रिलायंस जामनगर गई, वहाँ से दहेज, वहाँ से सूरत, वहाँ से फिर वापी, तो आप कहीं भी गुजरात का नाम ले लीजिए, रिलायंस हर जगह है। रिलायंस ने पिछले, मुझे लगता है इस बात पर एक ताली ज़रूर होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगी कि आप सब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत दिलचस्प बात है कि किस तरीके से गुजरात के विकास गाथा में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की आप लोगों की भूमिका है। प्लीज़ कंटिन्यू। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पिछले एक डेकेड में रिलायंस ने ऑलमोस्ट $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है देश में, जिसका क्लोज टू 1/3 गुजरात में ही हुआ है खाली। तो उभरता गुजरात और बढ़ता गुजरात में अगर आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना 1/3 अगर लगाया है तो इट इज़ अ बिग थिंग। इसके बाद जो आगे के और इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बहुत बड़ा अभी इन्वेस्टमेंट और जामनगर में आ रहा है। गुजरात की जो 2030 से 32 के बीच में मेरे ख्याल से 50% ऑफ द नीड पावर की वो रिलायंस की रिन्यूएबल एनर्जी से आ जाएगी।
जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और किस तरीके से रिलायंस गुजरात में काम कर रहा है, तो कंपनी के बारे में मैंने ये भी जाना कि नरोदा प्लांट की एक सस्टेनेबल स्टोरी भी है, उसके बारे में ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या है स्टोरी। देखिए बहुत सी चीज़ें हुई। रिलायंस में जो ओनली विमल ब्रांड था ये इंडिया में था, लेकिन 1975 के बाद से 1975 जिसकी हम बात कर रहे थे, बहुत बड़ा एक इंडियन जो माइग्रेशन हुआ वो मिडिल ईस्ट में हुआ। ये नाम मिडिल ईस्ट में बहुत पॉपुलर हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट्स में आज जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं लगभग वो हमारे बायर्स हैं। 50% ऑफ नरोडा का जो प्रोडक्शन है वो 58 कंट्रीज़ में जाता है, एंड ब्रांड अगर बड़ा है तो रिलायंस का बायर है एक तरीके से, आई कैन से दैट वेरी हम्बली, बट इट इज़ एन अचीवमेंट। दूसरा जो रिलायंस का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसमें नरोडा का काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेशन है, कि जितनी भी आप यहाँ पे पेट बॉटल्स देख रहे हैं जी, ये हमारी मदर अर्थ को काफ़ी डैमेज करती हैं। रिलायंस ने एक इनिशिएटिव लिया कि इन सारी बॉटल्स को खाली को कलेक्ट करके इनको वापस फाइबर में कन्वर्ट करके और फाइबर से कपड़े में बनाना। तो आज जो आप बोतल देख रहे हैं, कल ये हो सकता है कि आपने इसका कपड़ा पहना हो। मतलब ये जो बोतल है जो टेबल पे रखा हुआ है, इस बोतल से भी कपड़ा बन सकता है। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आज के 6 महीने से लेके 2 साल के बाद आप जो कपड़ा पहन रही हो कभी बोतल रही होगी। ओह माय गॉड, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। और हालांकि आपने कहा जिस तरीके से आप लोग काम करते रहते हैं, तो उम्मीद है कि ज़रूर ऐसा देखने को मिलेगा। एक और प्रश्न, क्योंकि आज के वक्त में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं और कैसे नई चीज़ें आ रही हैं, आधुनिकता का दौर है, लेकिन इन सब के बीच गुजरात की अगर हम बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, गुजरात के प्रधान उद्योग की बात करते हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केटिंग और कस्टमर्स की जो च्वाइस है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या कुछ इसमें और करने की ज़रूरत है, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में भी वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल अभी तक प्ले करता आया है वो उतना ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते रहे। देखिए पहले जो कपड़ा बिकता था, हम इंटरनेशनल ट्रेंड्स को जो कन्वेंशनल ट्रेंड को जो फॉलो करते थे, उसमें कपड़ा 2 सीज़न के हिसाब से बिकता था, स्प्रिंग समर एंड ऑटम विंटर, अमेरिका में उसको फॉल विंटर कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो जो सेगमेंट है वो जेन जी जो है उसने, उसके पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो 6 महीने के लिए वेट करे, तो ये सीज़न जो है कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी एक कि फार्म टू फाइबर टू फैशन टू फैब्रिक और फैब्रिक को इंटरनेशनली ले जाना, तो उस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे तरह से अडॉप्ट किया है और कपड़े को सीजन के हिसाब से बेचने के बजाय फैशन के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये रोज इवॉल्व होता है, रोज़ कुछ नया थॉट आता है, रोज कई डिज़ाइन में कन्वर्ट होता है और इट इज़ गोइंग टू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। बट बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, आपने जेन जी का जिक्र किया, चॉइसेस बहुत बदल रही है, एक चैलेंज क्या महसूस होता है कि आज की जनरेशन को केटर करना है, उन तक भी पहुंच बनानी है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए उसमें जो रिलायंस का एक और इनिशिएटिव है, रिलायंस ट्रेंड्स करके, आपने हर जगह देखा होगा ट्रेंड्स का स्प्रेड जिस तरीके से हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम किसी को अपना एड्रेस बताते थे तो ये कहते थे कि फलानी जगह का पोस्ट ऑफिस है, उसके आगे चले जाना या उसके पीछे चले जाना। थोड़े टाइम के बाद ऐसा होगा कि रिलायंस ट्रेंड का जो स्टोर है उसके आगे है या उसके पीछे है, तो उसको इतनी डीप लेके जा रहे हैं कि किसी भी पॉकेट का, किसी वॉक ऑफ द लाइफ का आदमी होगा उसकी फैशन नीड को हम फुली सर्विस कर पाएंगे। लेकिन जब फैशन नीड की बात होती है, आपने रिलायंस ट्रेंड की बात करी और मुझे लगता है कि हर जगह इसके आउटलेट्स हैं, आपको मिल जाएंगे हर शहर में, आप लोग वैसे शहर जो मेट्रो सिटीज़ नहीं भी है वहाँ पर भी रिलायंस ट्रेंड्स बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन फिर दूसरा पहलू ये भी आ जाता है कि पॉकेट फ्रेंडली, जब कस्टमर्स पहुँचते हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो महंगा है कुछ ऐसा, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और क्या इस पर भी काम आप लोग करते हैं? देखिए रिलायंस की हमेशा से फिलोसॉफी रही है कि हमेशा जो मासेस हैं उनके पॉकेट के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करिए। एक बड़ा फेमस धीरू भाई का स्टेटमेंट था कि जब रिलायंस कम्युनिकेशन में आ रही, टेलीफोन में आ रहे थे कि आपके मोबाइल का चार्ज एक पोस्टकार्ड के बराबर होगा तो ये पॉपुलर होगा, नहीं तो ये नहीं चल पाएगा, तो उस फिलॉसफी को हमने फैशन में भी उसी तरीके से अडॉप्ट किया है। मैंने आपको जैसे पहले बोला, एवरी वॉक ऑफ द लाइफ इज रिलायंस कस्टमर, तो बिल्कुल मॉडरेट इनकम वाले से लेके सुपर लग्जरी तक के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ उनको फैशन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ है।
फ्यूचर के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आप लोगों ने इतना अचीव कर लिया है, बट ऑब्वियस है कि आने वाले वक्त में भी चुनौतियां रहेंगी और शायद इससे बड़ी होगी, क्योंकि और भी कंपनी जो MNCs भी आ रही हैं, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे और क्या आपकी योजना है इसे कोप आउट करने के लिए? देखिए, आप, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद कहूँगा कि आपने बोला कि बहुत कुछ अचीव कर लिया। हम लोगों को ऐसा लग रहा है अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, बिकॉज फैशन ट्रेंड पहले एक फैशन होता था, आज फैशन ट्रेंड इज़ विद कम्फर्ट। तो आपको इतने कंफर्टेबल फैब्रिक फैशन के साथ बनाने हैं, अदरवाइज नई जनरेशन जो है वो आपसे तुरंत दूर हट जाएगी। तो आपको फैशन एंड कंफर्ट दोनों का ध्यान रखना है। पहले हम ग्लोबल अप्रोच की बात करते थे कि हम वर्ल्ड में कहीं चले जाएं, अब हिंदुस्तान कलेक्टिवली एंड मैं अपनी कंपनी की बात करूँगा उस लेवल पर आ चुके हैं कि हम ग्लोबल ग्रोथ की बात करें कि हमारी ग्रोथ ग्लोबली कितनी हो रही है। आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा कि रिलायंस जो है जितना हिंदुस्तान में अपना पेनेट्रेशन किया है उससे काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली करेगी। थैंक यू सो मच, हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आने के लिए इस मंच पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, एक बार जोरदार तालियां। एंड क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं गेम चेंजर्स की, कुछ और लोग हैं जो कि बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी भारत 24 के CEO एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र, भारत 24 के CBO मनोज जिज्ञासी से भी मैं अनुरोध करूंगी प्लीज़ आप स्टेज पर आएं। और क्योंकि आज ये मंच सम्मानित कर रहा है उन तमाम लोगों को जो कि बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक और बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तालियों के बीच मैं अब सम्मान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी रज़िया शेख को, जो कि इंडियन एथलीट है और गुजरात की पहली गोल्ड मेडलिस्ट इन जैवलिन थ्रो। एक बार जोरदार तालियां रज़िया शेख के लिए, ये मंच आपको सलाम करता है। मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर तौसीफ पटेल, को फाउंडर टारगेट मीडिया टाइम अप्लॉट, और मिस्टर सुनील पांडे, मैनेजिंग पार्टनर एंड डायरेक्टर टारगेट मीडिया टाइम अप्लॉट एक्सीलेंस इन इनोवेशन एंड PR एंड मीडिया एंड एंटायर टीम ऑफ शिल्प शालिग्राम। मैं इनवाइट करना चाहूंगी शिल्प शालिग्राम की पूरी टीम को, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जेसी सर, बहुत बहुत धन्यवाद MJ सर। और अब कुछ रिवायतें होती हैं जो कि बेहद ज़रूरी होती हैं, और अब ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। आपने आज भारत 24 के मंच से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को भी सुना, आपने तमाम लोगों को सुना जिन्होंने अपनी सफ़र को साझा किया। गेम चेंजर से आज भारत 24 ने आपको मिलवाया। अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूँगी मिस्टर नितिन डाबू को फॉर वोट ऑफ थैंक्स, वाइस प्रेसिडेंट वेस्ट एंड साउथ भारत 24।